सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही। क्या दिक्कत हेलो, आवाज नहीं आ रही अभी भी। इतनी सर अब आ रही है। देर क्या हो गया था यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मान लिया जाए आत्मनिर्भर भारत जो आपने अभी शब्द सुना 2020 में है, वो एक आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन हमारा, वो भी इंडियनाइजेशन है एक तरह का, भारतीकरण, और ये भी वही है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या है? तो समानता और असमानताओं को लेकर के इस प्रकार के प्रयोग यूपीएससी करता है। ये प्रयोगात्मक प्रश्न होते हैं, एक्सपेरिमेंटरी क्वेश्चन होते हैं, तो ये कभी कभी आते हैं, तो आपको उनके लिए भी तैयार होना चाहिए। देखो, जो कल मैंने आपको एक प्रश्न बताया सीधा सीधा किसान आंदोलन वाला एग्जाम्पल दिया, और बताया कि सीधे किसान आंदोलन के तत्व पूछ लेंगे तो वो बहुत सिंपल प्रश्न हो जाएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो सीधा सीधा जाके लिख दो किसान आंदोलन में क्या क्या था। फिर ये कि उससे निकल करके क्या आता है, अचीवमेंट क्या है, तो फिर मैंने वो बता दिए दूसरे प्रकार के। फिर एक तीसरा तरह का प्रयोग हो सकता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए किसान आंदोलन में और अभी स्वतंत्र भारत में हुए किसान आंदोलनों में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो सबसे बड़ी असमानता तो यही है, वो अंग्रेजी ताकतों के खिलाफ था, ये अपनी सरकार के खिलाफ, जिस सरकार को आप चुन के भेज रहे हो। देखा जाए तो मोदी का ये पॉइंट है कि तुम, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को कि ये कानून मैंने मेरे घर में गुजरात में बना दिए। अरे भाई, ये कानून मैंने संसद में बनाया, और संसद में जो बनाया है वो मेरा बहुमत है, तो बहुमत मुझे जनता ने दिया है, तो मैंने कोई पाप थोड़ी किया। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, जनता ने कृषि मंत्री बनाया है, ये तो एक गलत चीज है। कुछ लोग नाराज हैं, बहुमत तो नाराज नहीं है, क्योंकि बहुमत नाराज होता तो मुझे बनाता ही नहीं प्रधानमंत्री। मेरी नीयत को तो वो जानता है, मेरे काम करने तरीके को भी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है भारत का। तो बहुमत से काम होगा या अल्पमत से होगा, तुम तो थोड़े से लोग हो आंदोलन करने वाले, मुझे तो इतनी बड़ी जनता ने दिया था, ये कितना बड़ा पक्ष है मोदी का। मैं तो चुना हुआ प्रधानमंत्री हूं ना, तुम कोई चुने हुए हो क्या? तुम्हारा वोटिंग हुआ था क्या? इलेक्शन कमीशन ने राकेश टिकैत को चुना है क्या? इलेक्शन कमीशन ने तो मुझे चुनवाया है, संविधान के हिसाब से तो मैं बैठा हुआ हूं। संविधान की दुहाई तुम दे रहे हो, लोकतंत्र की दुहाई तुम दे रहे हो, जबकि नरेंद्र मोदी तो लोकतंत्र से निकल करके आया, संविधान की वजह से वहां पे बैठा हुआ है। और कृषि कानून जो बने वो संविधान के तहत बने, संविधान में प्रक्रिया दी है कि कानून इस तरह बनाए जाते हैं, न बनाती है उस तरह से।
संविधान के धज्जियां तो तुम उड़ा रहे हो। तो उसका नरेंद्र मोदी का पक्ष कितना जबरदस्त है, आपने डेमोक्रेसी को चुना है ना, तो आप किसान तंत्र चुन लेते लोकतंत्र के बजाय कि किसान बोलेंगे तब वो होगा, उसका नाम किसान तंत्र होगा, लोकतंत्र थोड़ी होगा। लोकतंत्र का मतलब ये है कि 5 साल तक हम अगर चुन लिए गए तो वहां पर हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, क्योंकि जनता ने विश्वास किया है कि हाँ आप 5 साल के लिए सर्टिफिकेट दिया है, एक तरह से जनता ने सर्टिफिकेट दिया है कि आप 5 साल के लिए जाकर के कानून बनाइए हमारे लिए, हम सब तैयार हैं और हमको विश्वास है तुम जो बनाओगे सही बनाओगे, तो फिर मैंने गलत कहां किया। उस समय के किसान आंदोलन किसके खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, जो थोपे हुए थे, भारतीय जनता नहीं चाहती थी कि ये हमारे पास रहे, उसके बावजूद अंग्रेज यहां बैठे हुए थे और कानून बनाते थे, टैक्स लेते थे, तो जनता विरोध करती थी। अभी जो व्यक्ति कानून बना रहा है या स्वतंत्र भारत में जो कानून बने किसानों के, वो तो चुनी हुई सरकारों ने बनाए, जनता चुनती, तुम कांग्रेस को चुन लेते अगर तुमको इतना ही पसंद है, और अधिकांश चीजें तो हमने वही बनाई जो कांग्रेस करती, अगर होती तो वो भी करता, कृषि कानून कांग्रेस ही लाने वाली थी, सारी चीजें हैं, कई तो बार तो कमेटी और कमीशन तो कांग्रेस ने बनाया, रिपोर्ट इनकी सरकार में आई तो इन्होंने कानून बना दिए, तो कांग्रेस विरोध करने लग गई, तो कमीशन तो तुम ही ने बनाया था, उसी की रिकमेंडेशन पे तो कर रहे हम, अभी तुम सरकार में होते तो बनाते कि नहीं, जीएसटी खुद कांग्रेस लाने वाली थी, बीजेपी लेके आई, तो अधिकांश चीजें तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस करने जा रही है, यहां तक कि डिमोनेटाइजेशन भी मनमोहन सिंह ने शुरू कर दिया था, पता है आपको, मोदी के तो गले पड़ गया, नोट छापने का, नए नोट छापने का काम, और ये तो मनमोहन सिंह के समय में ही ऑर्डर हो गए थे। बात समझ में आई ना, तो कई जो चीजें हैं जो मोदी के गले पड़ रही है ना, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ये सब तो कांग्रेस के टाइम पे शुरू हो गया था, मोदी को तो करना ही था, बस मोदी बोला वाला था तो उसने कर दिया, चालबाजी नहीं कर पाया, वो चाहता तो रोक सकता था। अंबेडकर लिख के गए काला धन बाहर निकालने के लिए डिमोनेटाइजेशन करना पड़ता है, अपनी थीसिस में लिख के गए, और 10-10 साल में नोट बदलते रहना चाहिए, अंबेडकर लिख के गए अगर ब्लैक मनी खत्म हो तो 10-10 साल में नोट बदल दो, लेकिन अंबेडकर को यह नहीं पता था कि इतनी बड़ी जनसंख्या होगी और इतने लाख करोड़ के नोट छपेंगे। यह उस जमाने में नहीं था, उस जमाने में नोट भी कम होते थे और जनसंख्या भी कम थी, इसलिए अंबेडकर 1930 में लिख रहे थे, 1930 की बात अलग है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, नोट छपना भी आसान है, प्रिंटिंग प्रेस भी एडवांस है, कंप्यूटर से ग्राफिक्स डिजाइन भी बहुत अच्छे से हो सकते हैं, बहुत फास्ट है आजकल, उस जमाने में तो नोट छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस में होते थे और उस इस तरह के ऑफसेट थोड़ी थे, आजकल तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस है और एक से एक है डिजिटल, तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इसलिए मॉडर्न इंडिया के साथ जब आप बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करोगे करंट अफेयर्स की जो हिस्ट्री के साथ में, तो इस तरह से आपको खेलना आना चाहिए, क्योंकि एक या दो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, तो 3 तरह के प्रश्न हो जाएंगे, एक प्रश्न बिल्कुल रॉ टाइप के, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल मटेरियल रहेगा, जो अखबारों में है, जो न्यूज में है, वही मटेरियल आपको लिख के आना, एक तो इस टाइप के प्रश्न, दूसरे प्रश्न है उनसे आउटपुट निकालना है आपको, यानी कि अचीवमेंट्स निकालना है या फिर सेंट्रल आइडिया निकालना है, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, और तीसरे होंगे प्रयोगात्मक प्रश्न, जिसमें प्रयोग होंगे, इस प्रकार के प्रयोग होंगे, ये कॉम्बिनेशन वाले प्रयोग, समानताएं बताओ, तुलनात्मक अध्ययन करो, कंपैरेटिव स्टडी करो, इसकी और उसकी, ये प्रयोगात्मक होंगे, ठीक है, क्योंकि कितनी चीजें ऐसी है जो परतंत्र भारत में भी हुई थी और स्वतंत्र भारत में भी हो रही है, किसान आंदोलन होते हैं, आदिवासियों के आंदोलन होते हैं, जंगल को बचाने वाले आंदोलन है, कृषि कानूनों या टैक्स के खिलाफ होने वाले आंदोलन है, सब्सिडी वाला तो नहीं है उस समय, लेकिन कोई काला कानून बन गया, कोई ऐसा ब्लैक लॉ है, ऐसा कोई कानून बन गया जो जनता को पसंद नहीं है, सीए एनआरसी उसके लिए जो कानून है, रोलेट एक्ट के खिलाफ और इन सब के खिलाफ इसी प्रकार के कानून,
ऐसे ही कोई कमीशन साइमन गो बैक, ऐसे ही कोई कमीशन आप बना दो किसानों के लिए। आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी थी और उसमें किसान तो लिए ही नहीं थे, और सारे किसान कौन थे? बीजेपी वाले थे। तो गो बैक हो ही गया था ना, साइमन गो बैक जैसा नहीं हुआ था? जैसे साइमन गो बैक क्यों लिया था, साइमन गो बैक क्यों किया था? क्योंकि उसमें इंडियन नहीं थे और इंडिया के लिए कानून बनने थे, किसानों के लिए कानून बनने थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बना दिया था, और उस कमीशन में बीजेपी वाले किसान, यानी जो पहले से ट्वीट कर रहे थे किसके, गवर्नमेंट के फेवर में, उन उन किसानों को ले लिया था। तो उनका माइंडसेट तो पहले से ही पता है, क्योंकि आप तो जब से किसान कानून की बात हुई है तब से किसानों के अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हो, और किसके फेवर में कर रहे हो, बीजेपी के फेवर में ट्वीट कर रहे हो। और अब आप ही कमेटी में ले लिए गए सारे के सारे लोग, और अब आप जाओगे किसानों के बीच में और उनसे राय लोगे तो उनकी सुनोगे क्या? तुम्हारे मन में तो पहले से ही पूर्वाग्रह है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कमीशन हमको नहीं चाहिए, कमीशन ही बेकार है। तो साइमन गो बैक के साथ तुलना कर सकते हो ना, साइमन कमीशन में क्या था, यही तो था। तो ऐसी कितनी चीजें हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में हुई और करंट अफेयर्स में आ रही। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्वदेशी आंदोलन। तो अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है मोदी जी द्वारा, तो क्या ये स्वदेशी आंदोलन नहीं है? ये भी तो स्वदेशी आंदोलन ही है, ये भी तो चरखा वाला ही आंदोलन है। अपना काम हम खुद करेंगे, अपना प्रोडक्शन हम खुद करेंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन आ सकता है, प्रयोगात्मक प्रश्न ये होते हैं जिसमें आपको प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसा दिमाग भी चलना चाहिए। तो आपके तीन स्तर पर दिमाग चले, आपका दिमाग पढ़ते समय तीन तरह से चलना चाहिए। पहला तो आप जो पढ़ रहे हो वो झोंका त्यों याद होना चाहिए ताकि जाकर के परीक्षा में लिख सको। दूसरे नंबर पे आप जो पढ़ रहे हो वो जाके नहीं लिखना है, बल्कि उससे निकल करके क्या आ रहा है वो लिखना, यानी उससे हमें सबक क्या मिलता है, सेंट्रल आइडिया क्या निकल करके आता है वो लिखना है। और तीसरे नंबर पर कंटेम्प्रेरी चीजों से एंशंट या हिस्ट्री वाली हिस्टोरिकल चीजों की तुलना करना, ये प्रयोगात्मक प्रश्न, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस बहुत बड़ा रोल क्या है, आत्मनिर्भर भारत जो है अभी का 2020 का, और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तब का है जब इंडस्ट्री 1.0 था, स्टीम इंजन था, बाप का इंजन आया था, स्टीम आ गई थी बाप, और इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हो रही थी तब, यानी 2.0। जबकि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये इसके बीच में WTO आ गया इस जगह पे। WTO आने के बाद 3.0 है और 4.0 है, यानी कंप्यूटर, इंटरनेट, और बाद में 4.0 यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वो सब मशीन लर्निंग और वो सब। इसलिए अभी का आत्मनिर्भर भारत पर औद्योगिक क्रांति 3.0 और 4.0 का असर दिखाई देता है। और संस्था है अभी कौन, WTO, जो आत्मनिर्भर नहीं बनने देती किसी को भी। पूरी दुनिया ही एक गांव है, ग्लोबल विलेज, और सब एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, परस्पर निर्भर रहेंगे, इंटरडिपेंडेंस। तो बड़ा दिमाग वाला काम है ये, इसे प्रश्न जो होते हैं उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। केवल आपको हिस्ट्री पता होने से बात नहीं बनती, करंट अफेयर्स भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको बता दिया था इंडस्ट्री, ये बिफोर 3.0 और 4.0 है, कौन सा, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें केवल 1.0 आया था और 2.0 इनिशिएट हो रहा था उन दिनों में,
तब हम स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, तब चलाने की बात और थी, और अब हम इंटरनेट, इंटरनेट से तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, ग्लोबल ग्लोबल। गूगल हमारा नहीं है, फेसबुक हमारा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट हमारा नहीं है, ट्विटर हमारा नहीं है, व्हाट्सएप हमारा नहीं है, इंस्टाग्राम हमारा नहीं है, सब अमेरिका से संचालित होते, अमेरिका की कंपनी है, और कंज्यूमर सारे के सारे भारत में, सारे मतलब बहुत बड़ी स्केल पे 50% कंज्यूमर, लगभग दुनिया के 50% कंज्यूमर इंडिया में। तो प्रभावित इंडिया होता है और कंपनियां कहां पर है? अमेरिका में। प्रचार उन पे होता है, नेटवर्क से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। और इंडियन इस प्रकार के प्लेटफॉर्म होना अभी आगे संभव दिखाई नहीं दे रहा है, और कोई इंडियन प्लेटफॉर्म आ भी जाएगा तो वो पॉपुलर होगा क्या? होना संभव नहीं। तो ना हमारा सर्च इंजन है, ना हमारा सोशल मीडिया है, और ना ही आगे फ्यूचर में इस प्रकार का कोई मेटावर्स हमारा होता हुआ दिख रहा है। तो मेटावर्स भी हमारा होता हुआ नहीं दिख रहा। चाइना ने शुरू से पिछले 20 सालों से तैयारी कर रखी थी, और उसने हर चीज अपनी खुद की बनाई, सर्च इंजन अपना खुद का, मेटावर्स अपना खुद का, फेसबुक अपना खुद का, मैसेंजर अपना खुद का, यानी कुछ भी उसने अमेरिका के ऊपर। तो वो सेल्फ रिलायंट है, चाइना ने सब चीज अपनी बनाई खुद की, उसने वर्ल्ड नेटवर्क के साथ जुड़ने ही नहीं दिया किसी को, अपने यहाँ के नागरिकों को जबरन। हालांकि उसके यहाँ यही है कि फ्रीडम नहीं है, इस टाइप की फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ, अपने लोगों को अमेरिका के प्लेटफॉर्म से जुड़ने ही नहीं दिया उसने। और उन्होंने कहा तुमको चाहिए, तुमको आपस में कम्युनिकेट करना है, तुमको आपस में ये करना है, आओ हम देते हैं तुम्हें प्लेटफॉर्म, हमारा देशी प्लेटफॉर्म होगा, हमारा चाइनीज प्लेटफॉर्म होगा, आपको देते हैं हम, लेकिन इनसे नहीं जुड़ोगे, ना तो रेवेन्यू जाने दिया और अपने लोगों का पैसा चाइना का चाइना में रहने दिया। तो वो तो आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन हम तो नहीं हो पाए। तो क्या 4.0 में आत्मनिर्भर होना संभव है? देशीकरण संभव है? इंडियनाइजेशन संभव है? एक इंडिजिनाइजेशन होता है और एक इंडियनाइजेशन होता है। इंडिजिनाइजेशन का मतलब देशीकरण, हमारा खुद का, इंडिजिनस, और इंडियनाइजेशन मतलब भारतीयकरण। तो ऑलरेडी आउटसाइड है इंडिया के, उसको हम भारतीयकरण, उसको बोलते हैं इंडियनाइजेशन। जब उसको हम भारतीय बनाते हैं तो उसको बोलेंगे हम इंडियनाइजेशन, और हम हमारे यहीं ओरिजिनेट करते हैं पहली बार तो उसको बोलेंगे इंडिजिनाइजेशन, देशीकरण। तो जब आप साइंस टेक के सिलेबस में जाओगे तो इंडिजिनाइजेशन होता है। लेकिन कई बार जब हम गूगल की बात करेंगे, क्या गूगल का इंडियनाइजेशन हो सकता है? वहां इंडिजिनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी गूगल एग्जिस्ट कर रहा है आउटसाइड। गूगल अगर है तो फिर आप इंडिजिनाइजेशन नहीं कर सकते, उसका क्या करोगे? इंडियनाइजेशन। तो शब्दों में अंतर देखना। तो स्वदेशी आंदोलन में जो था वो इंडिजिनाइजेशन किया जा रहा था, न कि कॉपी किया जा रहा था। हम इंडस्ट्री 1.0 को यूज करके कपड़ा नहीं बना रहे थे, गांधी जी चरखे से कपड़ा बना रहे थे लिवरपूल में, और वहां जो बन रहा था मैनचेस्टर में वो क्या था? वो मशीनों से कपड़ा बन रहा था। तो वो इंडिजिनाइजेशन था, देशीकरण था, इसलिए वो स्वदेशी आंदोलन था। तो कभी आप वो कंपेयर करने के लिए बोलते, मैं आपका थॉट प्रोसेस बढ़ाना चाहता हूं कि आप इस तरह से प्रयोगात्मक सोचना सीखो। अच्छा, ये सब आपको एग्जाम हॉल में तैयार करना पड़ेगा, वहीं पे इंस्टेंट, और फिर वहां क्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि देखो आप कहोगे इतना जल्दी क्वालिटी कैसे लेके आना, तो यही तो परीक्षा है, इतनी जल्दी क्वालिटी लेके आनी है आपको सोचने को। अच्छा, कई बार मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को लग रहा होगा कि ये टाइम पास है, मतलब ये क्या है, मतलब ये कोई तरीका है, फिर तुम करके बता दो, चलो मैं चुप हो जाता हूँ, आप मुझे, मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप बता दो इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न तो आएगा ना, वो तो मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है, वहां तो जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तो प्रयोग कर रहा हूँ, जोड़ तोड़ रहा हूँ, चूंकि प्रश्न ही प्रयोगात्मक है तो आंसर भी प्रयोगात्मक होगा, काल्पनिक आंसर है, कोई आंसर किसी किताब में थोड़ी मिलेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आंसर आपको पूरे इंडिया के किसी भी स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं तत्काल बना रहा हूँ, इंस्टेंट आपके सामने बना रहा हूँ, मैं तैयार करके भी नहीं आया।
मैं कब भी तैयारी करके क्लास में नहीं आता, मैं रात दिन पढ़ता रहता हूँ बस, लेकिन आज क्या पढ़ाना ये नहीं बताता, मुझे खुद को नहीं पता होता मैं क्या पढ़ाऊँ। मैं यहीं आकर के तय करता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना, तो मेरी तो तैयारी है, फुल तैयारी। अब क्या तैयारी करूँ, मैंने पहले दिन नहीं करी थी 25 साल के लिए, तो अभी क्या करूँ, मैं तैयारी करके पढ़ा ही नहीं सकता। मेरे को स्टेज पे कहीं पे भी आप बोल दें, सीएम बोल दें, पीएम बोल दें, कोई भी बोल दें, देश का आदमी कितना ही महत्वपूर्ण आदमी, आप यहाँ आ जाओ शाम को 7 बजे आना, मैं कभी नोट्स नहीं बनाता, मैं एक अक्षर नहीं लिखता कभी डायरी में, मैं ऐसे ही जाके खड़ा होता हूँ और जो मेरे मन में आता है वो बोलता हूँ, और सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता था। यही स्टाइल है, हो गया बस, रात दिन पढ़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं, आप चाहे जो बुलवा लो, जिस विषय पे बोलना है बुलवा, घुसा हुआ है दिमाग, उसका प्रोसेस कर देंगे। तो यही तो आपको तैयार होना है सर, आपको भी एग्जाम में इंस्टेंट मेकिंग वही बनाना पड़ेगा ना, आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको मैं सोचना सिखा रहा हूँ, किस तरह से सोचिए, WTO का क्या प्रभाव पड़ा, ये तो मशीन और साइंस टेक के हिसाब से हो गया, WTO का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा, WTO के जो नियम है वो नियमों ट्रिप्स ट्रिम्स और रूल ऑफ ओरिजिन और ये तमाम प्रकार के जो नियम है, उन नियमों के तहत आप स्वदेशी आंदोलन चला ही नहीं सकते। आप स्वदेशी क्या हो सकता है, एक मिनट पांच नियम लिखो जरा। कई पांच ऐसे चीजें हैं जो प्रभावित करेगी WTO। अब इसे जब प्रश्न आते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स भी आ गया, साइंस टेक भी आ गया, सब आ गया, जबकि प्रश्न किसका है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते, निबंध आ जाता है सर, ये निबंध में काम आ जाएगा। और एक और बीच वाला भी है, स्वतंत्र भारत में एक बार नेहरू भी सेल्फ रिलायंट लाए थे स्वदेशी, तभी तो उन्होंने सारे उद्योग खोले थे, हम दूसरों पे भी तो डिपेंड कर सकते थे, कुछ चीजें हम खरीद लेते हैं, हमने कहा नहीं हम खुद करेंगे, हमारा खुद का कर, इसलिए हमने हर तरह के उद्योग डाले, HMT डाला, हिंदुस्तान मशीन टूल्स डाला, बालको नालको एल्यूमिनियम स्टील हेवी इलेक्ट्रिकल सब तरह की इंडस्ट्रीज हमने बनाई, कि सारे तरह के प्रोडक्ट्स पूरे भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो हेवी इलेक्ट्रिकल एपरेटस लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, तो बाहर से मंगाएंगे क्या, इतना आयात करेंगे क्या, हम ही बनाएंगे, हमारे यहाँ बनाएंगे। कितने BHEL बनाए, 6 BHEL, कितने 5 है 6 याद है कि नहीं, बेल जो है भारत में कितने है? बताओ भैया बेल वाले कोई है कि नहीं, BHEL कितने है? आप एक मिडिल भी है, एक 1920 वाला स्वदेशी आंदोलन है, यानी 1906 वाला, 6 से लेके 20 वाला, और एक बीच वाला है नेहरू इंदिरा वाला, नेहरू इंदिरा भी आत्मनिर्भर है, वो भी यही बात करते थे, और फिर एक मोदी वाला आत्मनिर्भर, तीन तरह के आत्मनिर्भर। तो नेहरू ने तो करके दिखाया, अभी तो सिर्फ बातें हो रही है, नेहरू ने तो करके बताया, पहले भी चरखे से, पहले वाला व्यावहारिक नहीं था, गांधी वाला व्यावहारिक नहीं था, क्योंकि चरखे से आप पूरे भारत को कपड़ा नहीं पहना सकते, तो इंडस्ट्री का जवाब इंडस्ट्री से दिया किसने, नेहरू, और पूरे भारत को कपड़ा पहनाया स्वदेशी वाला,
सूरत और ये सब हमारे पूरी दुनिया को कपड़ा बेच सकते। अब फिर मोदी आए जो सिर्फ बातें कर रहे हैं। गांधी और नेहरू में मोदी में समानता है, दोनों अव्यावहारिक हैं, दोनों गुजराती हैं, बातों से पैसा बना लेते हैं। तो गांधी का चरखा पूरे भारत को कपड़ा कैसे पहना सकते, हर घर में भी चरखा काटा जाएगा तो क्वालिटी नहीं रहेगी। क्वालिटी वाला कपड़ा लेना है तो फिर आपको मशीनों पे जाना होगा, वो नेहरू ने दिया, कुछ अंग्रेजों ने दिया। तो नेहरू ने कॉपी करने में, नेहरू का पूरा मंत्रिमंडल हर तरह का, अंबेडकर भी कॉपी करने में, कानून की कॉपी करने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय का जो 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 शिक्षा वाले मंत्री थे तो उनको शिक्षा की कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मीडियम इंग्लिश रखा और सब होता गया। और इंडस्ट्री वाले मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर ने व्यापार की कॉपी करने में बिल्कुल वो नहीं सोचा। तो आप कॉपी करके ही आगे बढ़ सकते हो, हर चीज को इजाद करोगे और फिर आगे बढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कॉपी करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। अब नए सिरे से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो नेहरू ने कॉपी किया, मॉडल कॉपी किया, रशियन मॉडल भी कॉपी किया, ब्रिटिश मॉडल भी कॉपी किया, अमेरिकन मॉडल भी किया, जहां जो अच्छा था वहां से कॉपी किया। अच्छा तुम ऊर्जा का ये मॉडल हो, हाइड्रो पावर बनाते हो, अच्छा आप इससे कोयले से बिजली बना लेते हो, लाओ हमारे यहाँ स्थापित करो, आप हमारे यहाँ स्थापित करो, उनसे स्थापित करवा लिया सब। ये वाला वहां बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे यहाँ पे भी सेटअप करो। अच्छा तुम अंतरिक्ष में ये कर रहे हो, चलो हम भी करते हैं। तुम परमाणु ऊर्जा में ये कर रहे हो, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948, सोचने वाली बात है, कमाल है। होमी जहांगीर बाबा और नेहरू की जोड़ी ने किया था, लेकिन नेहरू सपोर्ट नहीं करते तो बाबा कर लेते क्या? 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया, इससे बड़ी दूरदर्शिता और क्या हो सकती है? जब तो देश आजाद हुआ, एक साल हुआ, और अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना और एटॉमिक एनर्जी कमीशन बन गया, सोचने वाली बात है। वो अगर नहीं बना होता तो बार्क कहां से आता और फिर वहां से इसरो कहां से? इसरो भी तो वहीं से निकला है, इसरो उसी का प्रोडक्ट है। तो नेहरू का विजन देखना हो तो आपको एटॉमिक एनर्जी कमीशन में दिख जाएगा। इतनी जल्दी क्या है भाई, मतलब और भी तो काम बाकी है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं देर हो जाएगी, अभी देखा नहीं तुमने हिरोशिमा नागासाकी में 3 साल पहले बम फूटे थे, परमाणु बम हमको भी चाहिए। आने वाले समय में एटॉमिक एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी, यानी बिजली मिलेगी, बिजली बनना शुरू हो जाएगी, हमको भी बिजली चाहिए। तो जिस जिस से भी बिजली ऊर्जा आ सकती है, नेहरू ने वो काम किए। हाइड्रो पावर से बिजली आ सकती है, हाइड्रो पावर शुरू कर दिया। कोयले से बिजली आती है, कोयला शुरू कर दिया। वो तो अंग्रेजों का टाइम हो ही गया था कोयला तो। एटॉमिक एनर्जी से आ सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी शुरू कर दिया। बिल्कुल उस आदमी ने देर नहीं की, दुनिया जिस गति से कदम बढ़ा रही थी उसी गति से वो कदम उस जमाने में बढ़ा रहा, नेक टू नेक। और वो काम फिर राजीव गांधी ने किया। इंदिरा गांधी नेक टू नेक नहीं चल पाई, इंदिरा गांधी का फेल्योर रहा। वो अपने बाप से भी पिछड़ी हुई थी और अपने बेटे से भी पिछड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी एक लोह महिला है, आयरन लेडी बोलते हैं हम लोग, तो वो अपने इरादों की पक्के थे, दुश्मन को डरा सकते थे, लेकिन विजनरी नहीं थी, दूरदर्शिता उसमें नहीं। इंदिरा गांधी गरीबों की हमदर्द थी, अमीरों की दुश्मन थी, एक चीज ये बात पक्की है, इसमें कोई शंका नहीं। दुश्मन को बिल्कुल घास नहीं डालती थी, सबक सिखाती थी, ये बात भी पक्की है। विरोधियों को धूल चटा देती थी, चाहे राजनीतिक विरोधी हो चाहे कोई भी हो, विरोधी टिक नहीं पाते थे। तो पढ़ाई लिखाई वाला मामला नहीं है, मनमोहन सिंह स्टाइल नहीं है, ये तो मोदी स्टाइल है। तो एक पुरुष इंदिरा है, मोदी क्या है? एक पुरुष इंदिरा है बस, और कुछ भी नहीं है। दूरदर्शिता यहाँ पे भी नहीं है, दूरदर्शिता इंदिरा में भी नहीं। इन दोनों की तुलना बहुत जबरदस्त तरीके से की जा सकती है। ये भी विरोधियों को धूल चटाते हैं, ये भी साहसिक व्यक्ति है, लेकिन होश नहीं है, जोश है बस। नेहरू होश का नाम,
राजीव गांधी होश का नाम, दोनों में होश था। समय के साथ कदम ताल मिलाना, टेक्नोलॉजी से जीतना, अपने आप को पावरफुल बनाना, इकोनॉमिक पावरफुल, इकोनॉमिक पावर के रूप में विकसित करना, टेक्नोलॉजी के पावर के रूप में विकसित करना, ये दो लोगों की विशेषता है पूरे हमारे इतिहास में। वो है एक तो नेहरू और दूसरे राजीव गांधी, दोनों ने सिद्ध भी किया। राजीव गांधी को दूसरा टर्म मिलता तो शायद वो भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त होता। राजीव गांधी जिंदा होते और पीवी नरसिंह राव के बजाय वो प्रधानमंत्री होते तो भारत बहुत आगे जाता। आज टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे होते, बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पसंद करने वाला आदमी था। वो खुद हवाई जहाज उड़ाने वाला आदमी था, प्रोफेशनल ड्राइवर वो था, पायलट था, प्रोफेशनल पायलट थे, रोज का यात्री विमान उड़ाते थे, रोज वाला, डेली जो फ्लाइट जाती थी उनको उड़ाते थे, रजिस्टर्ड पायलट थे और नौकरी करते थे पायलट के तौर। यहाँ भोपाल से रायपुर उड़ाते थे, यहीं रहते थे झील के किनारे, वो बताते हैं होटल वाले, बोले तो मेरे दोस्त थे और मेरे यहीं पे रहते थे। और इंदिरा गांधी ने 4-5 बार मुझे बुलाया और कहा अपने दोस्त को समझाओ, इसको राजनीति में लेके आओ, ये क्या पायलट गिरी लगा रखी। बोले यहाँ आते थे दिल्ली में, यहाँ एयरपोर्ट से मेरे इसी कमरे में रोज सो जाते थे, क्योंकि उनको सुबह जल्दी जो है 6 बजे 7 बजे फ्लाइट लेके रायपुर जाना पड़ता था, तो भोपाल रायपुर चलाते थे, यही भोपाल ही रहते। तो बोले मैं समझाता भी था, इंदिरा गांधी मेरे को कहती तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम समझाते क्यों। मैंने समझाया, लेकिन वो बोले मुझे राजनीति में नहीं जाना, मुझे विमान उड़ाना अच्छा लगता है, मैं यही उड़ाऊंगा। संजय गांधी है राजनीति में, उड़े वो पसंद ही नहीं करते थे राजनीति करना, अपनी नौकरी करना बस, वो जो तनख्वाह मिलती थी उसमें वो खुश थे, पायलट की नौकरी और पायलट की तनख्वाह, बस बात खत्म। तो प्रोफेशनल पायलट, ऐसा नहीं पायलटिंग सीख ली, हवाई जहाज उड़ाना सीख लिया और उसके बाद घर बैठ गए, ऐसा नहीं था, रोज की नौकरी थी बकाया, यूनिफॉर्म पहन के एयरपोर्ट जाना और हवाई जहाज उड़ाना और हर महीने तनख्वाह प्राप्त करना, ऐसा व्यक्ति था। लेकिन जब मजबूरन उसको प्रधानमंत्री बनना पड़ा तो आप समझ सकते हो कि वो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज जानता होगा, हवाई जहाज के पुर्जों के बारे में जानता होगा, उसने टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा होगा, टर्मिनोलॉजी जानता होगा, साइंस टेक को समझता होगा ना वो, क्योंकि सिविल एविएशन तो उस समय में भी राडार और ये और कम्युनिकेशन और ट्रैक नेविगेशन करना और ये सब चीजें तो एडवांस थी उस जमाने का। जो भी हल्का फुल्का कंप्यूटर जो सबसे पहले आया होगा वो तो कहीं कहीं काम कर ही रहा होगा उस, तभी तो उस आदमी को लगा कि ये फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और ये कंप्यूटर बहुत विकसित होंगे और इतने विकसित होंगे हर आदमी के हाथ में होंगे, ये वो सोचता था उस जमाने में, तभी तो उसने सारा इन्वेस्ट किया 85 में आकर के। तो कहाँ ले गए, आज देखो हम लोग कंप्यूटर में महारथी हैं, आज पूरी दुनिया के जितने टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिग टेक हैं, ये उन सबके चीफ कौन है, इंडियन है, ये राजीव गांधी की देन है। कोई बोल दे राजीव गांधी की क्या देन है, तो आज जितने आपको गूगल ये वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी ये जो लड़का बना पराग ट्विटर का सीईओ, ये सब किसकी देन है। ये राजीव गांधी ने 85 में उतना एग्रेसिव तरीके से नहीं सोचा होता तो कैसे होता बताओ। उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो क्या करते, ये सब घंटा बजा रहे होते मंदिर में ये सारे लोग, और क्या होता, ये दिक्कत है। तो मैं तो इंदिरा गांधी की भी आलोचना कर रहा हूं कि वो भी रूढ़िवादी थी, एक तरह से जिद्दी थी और विरोधियों को धूल चटाने वाली थी, और इसीलिए हम आयरन लेडी बोल सकते हैं उसको, लेकिन विजनरी नहीं कह सकते। विजनरी नेहरू थे उतने भी नहीं है इंदिरा गांधी, जैसे गांधी ने अपने बच्चों को अनपढ़ रखा वैसे नेहरू ने भी अपनी लड़की को उस तरह से पढ़ाया लिखाया था, बाहर की एजुकेशन और उस तरह से नहीं होने दी उन्होंने, वो दे सकते थे उनको अमेरिका पढ़ने भेज सकते थे, लेकिन ना तो इंदिरा गांधी को स्वतंत्रता संघर्ष में और इसी में और नेतागिरी में ही बचपन से आना चाह रहा था, हालांकि वो भी नहीं आना चाहती थी राजनीति में, लेकिन उसको लोकल में ही मजा आता था, वो यहीं रहती थी, उसको ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इसमें और उसमें कभी आनंद ही नहीं आया, उसने पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो साइंस स्टूडेंट होती, अगर उसने भी अपने बेटे की तरह या पिता की तरह दुनिया को समझा होता तो वो अलग तरह से होती,
इसलिए तो वो संजय गांधी की शिकार भी हो गई और इमरजेंसी लगाई और लोकतंत्र के नाम पे दबा भी लगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें संजय गांधी के चक्कर में हुई कि वो दबाव में आई, डेमोक्रेसी को भी तार तार कर दिया उसने। मोदी भी तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो भारत के अगर इतिहास में आप देखेंगे तो स्वदेशीकरण करने में राजीव गांधी का भी बड़ा रोल है और नेहरू का भी बड़ा रोल है। मैं इंदिरा नेहरू बोलता रहा हूं। अच्छा, इंदिरा अपने हिसाब से खुद से तो नहीं सोच पाती, लेकिन उसने नेहरू की चीजों को कंटिन्यू किया। ये एक अच्छी चीज थी उसने कि नेहरू के पदचिन्हों पे चल के नेहरू की बनाई हुई चीजों को कंटिन्यू किया और उनको और बनाया उसने। जैसे नेहरू अगर 2 IIT खोल के गए तो उसने बाकी के IIT खोल दिए। नेहरू ने अगर 2 इंडस्ट्री खोली तो उसने 4 कर दी। उसने उनको तो बढ़ाया लेकिन अपनी तरफ से कोई विजन लेके नहीं आई, खुद का विजन कुछ नहीं था। नेहरू के विजन को रोका नहीं उसने, उन चीजों को एक्सटेंड किया। और फिर बाद में अटल बिहारी एक्सटेंड करने की बात तो अटल बिहारी वाजपेयी में भी दिखती है, उन्होंने भी एक्सटेंड किया। IIM बढ़ा दिए, IIT बढ़ा दिए, एम्स बढ़ा दिए, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कर दिया। और कुछ काम तो इस प्रकार का नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, एक्सटेंड करने वाला काम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंड करना अलग चीज है और पहली बार सोच लेके आना अलग चीज। किसी काम को आगे बढ़ाना और पहली बार उस काम को शुरू करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो परतंत्र भारत था उसकी कहानियां और अभी के इसकी, दोनों में बहुत अंतर। मोदी के टाइम एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हमने पहली बार DRDO को बहुत पावरफुल बनाया और इसका प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया। और डिफेंस में हमने ये कहा कि अब हम हथियार से लेकर के गोला बारूद से लेकर के ऐसी बहुत सारी चीजें अब हम खुद बनाएंगे, भारत में बने, इस बारे में बहुत काम हुआ। एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो भारत में बना करेंगे, ये काम मोदी के समय में बहुत हुआ। डिफेंस सेक्टर, ये लोग क्यों डर रहे थे, कांग्रेस वाले क्यों डरते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ये वाला काम नहीं देना डिफेंस वाला, वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट लोगों के हाथ में अगर ये चीज चली गई तो कम से कम डिफेंस वाला जो काम है, सेना वाला काम है, वो सरकार के हाथ में रहे और सरकार डील करके विदेशों से खरीद ले, लेकिन लोकल नागरिक को कोई इतना पावरफुल ना बनाए, किसी उद्योगपति को इतना पावरफुल ना बनाए कि वो किसी दिन देश पे कब्जा करने की सोचे या गोला बारूद सप्लाई करना रोक दे या बार्गेनिंग करे। तो उस देश के सुरक्षा के साथ किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर ना हो, ये कांग्रेस डरती थी और ये काम मोदी ने कर दिया। बोले ऐसी डरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई आवाज उठाएगा उसको टोक देंगे, उसका सब छीन लेंगे, उसे खरीदने की जरूरत नहीं, फिर पीट पाट के छीन लेंगे। तो ये फिर इतना दम होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि कोई प्राइवेट आदमी, अब जैसे ये हबीबगंज हमने बंसल को दे दिया, रानी कमलापति भी हो गया और प्राइवेट भी हो गया और सब हो गया, लेकिन मान लिया जाए बंसल वाला ज्यादा गड़बड़ करेगा तो उसको कह देंगे अब तू घर जा, कुछ नहीं है तेरा, नेशनलाइजेशन करते हैं हम इसका, विधानसभा में भी एक पारित कर देंगे, एक लोकसभा में पारित कर देंगे, कौन सा, कमलापति राष्ट्रीयकरण अधिविधेयक, फांसी तो करना है, करना क्या। इसलिए कांग्रेस भी नहीं डरती, बीजेपी भी नहीं डरती, किसी चीज को प्राइवेट करने से डरने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत भूमि पर जो कुछ भी है उसका नेशनलाइजेशन तो कभी भी किया जा सकता है, इंदिरा गांधी ने किया ही थे, ये तो आप ही का था हबीबगंज, तो आप ही ने प्राइवेट आदमी को दिया, अब आप ही वापिस सरकारी कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी। इंदिरा गांधी ने तो वो बैंक जो 150 साल पहले उसके बाप दादाओं ने तैयार किया था, प्राइवेट आदमी ने बैंक खोला था खुद ने, उसके बाद तमाम लोगों ने पैसे जमा कराया, फिर बैंक 150 साल से चल रहा था, यानी 100 साल से तो चल ही रहा था, 100 साल से चल रहे बैंक को अचानक से उसने कह दिया कि अब ये सरकारी होगा, उसमें सरकार का कोई योगदान ही नहीं था, उसको सरकारी कर दिया। फिर ये तो सरकारी प्राइवेट किया, तो प्राइवेट को सरकारी करने में क्या देर लगती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है किसी भी प्राइवेटाइजेशन से। कोई भी सरकार आएगी, प्रधानमंत्री अगर ठान लेगा कि मुझे सब कुछ नेशनलाइज करना है तो उस दिन नेशनलाइज कर देगा, बंसल जी घर जाओ अपने।
बंसल का थोड़ी है। आ गया था? तो इतना डरने की जरूरत नहीं होती, हमेशा के लिए कोई किसी का हो नहीं गया। इतना प्रयोग कर सकते हो कि अभी सरकार अच्छा नहीं चला पा रही है, कर्मचारी बहुत भ्रष्ट है, प्राइवेट वाला अपना पूरा प्राइवेट लोग लगाएगा और इसको बहुत अच्छे से चला के बताएगा, तो प्रयोग करके देख लो चलता है कि नहीं। नहीं चलेगा तो फिर सरकारी कर, जनता को अगर सुविधा मिल रही है और प्रयोग हो रहा है तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत। रिजर्वेशन तो नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, रिजर्वेशन तो नहीं होता, लेकिन जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो बहुत सारे ऐसे काम करते ही नहीं है, वो निम्न जाति के लोग। अब वहां पर जो स्वीपर बनेंगे अभी रानी कमलापति पे, इतना साफ फर्श भी होगा तो भी पोछा लगाते रहेंगे, तो वो लोग कौन होंगे? वो वापस निचली जाति के ही लोग, तो उनको दिन भर पोछा लगाने के लिए 16,000 रुपए मिले महीने के, किसी को 12,000 रुपए मिले, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऐसे समय में उसको दुर्घटना का बीमा भी होगा, मरने पर भी इंश्योरेंस होगा, तो सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है वो, बकायदा वो बंसल का एम्प्लॉय होगा तो रजिस्टर्ड होगा, वीक में छुट्टी भी मिलेगी और 15,000-16,000 सैलरी भी हो जाएगी, तो वो वाले जॉब तो मिल ही जाएंगे उसको। जैसे आप डीबी में देखते हो तो वहां जो बहुत सारे जॉब हैं उसमें ये सब चीजें हो गई, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था तो है नहीं ऐसे सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में कभी भी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं होती। तो खाने के काउंटर पे जो कॉफी दे रहा है, ब्रेड दे रहा है, पिज्जा डिलीवर कर रहा है, वो मुसलमान भी हो सकता है और एससी भी हो सकता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो अनटचेबिलिटी भी तो खत्म होगी, तो कब तक आप चाहते हो कि अनटचेबिलिटी भी जारी रहे और आरक्षण भी जारी रहे? आप ऐसा भी तो सोचो कि रिजर्वेशन भी खत्म हो गया और साथ साथ अनटचेबिलिटी भी खत्म हो गई, तो ये वाली शुरुआत भी तो होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं प्राइवेटाइजेशन वाले, उसमें ये वाले चीजें निकल करके आए। मुझे नहीं लगता बंसल जो है वो जाति पूछेगा पिज्जा डिलीवर करने वाले की, या उसके यहाँ जो चाय दे रहा है ये। कई बार आप देखना आप पिज्जा विज्जा लेते हो ऊपर हामिद लिखा रहता है, रफीक लिखा रहता है, उसका नेम प्लेट भी लगी रहती है, उसमें मुसलमान रहता है, वो भी आपको सर्व करता है चीजें। तो जो एमएनसीज होती हैं और बड़ी कंपनियां होती हैं, मैकडोनाल्ड्स में चले जाओ कहीं जाओ तो वहां पर वो, वैसे भी हिंदू भी वही टांग चबा रहा है, वो भी टांग चबा रहा था उसमें वो खाने पीने वाला भेदभाव तो है नहीं, वो तो दोनों ही मांसाहारी हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मांसाहार शाकाहार वाला भी नहीं होता। तो मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा था एक बार कि वहां जाकर के बात करनी है, तो वहां दो ब्राह्मण जो है वो आईएएस आए, तो मुझे कहा कि आप भी कुछ खाएंगे? हम तो टांग चबाएंगे। हमने कहा तुम लोग टांग चबाओ, हम तो नहीं खाएंगे कुछ, क्योंकि तो रेस्टोरेंट ऐसा है। बोले नहीं आपके लिए वेज वाला कुछ मंगवा था। मैंने कहा मैं यहाँ का वेज भी नहीं खाऊंगा, मैं तो वाटर बॉटल से पानी भी नहीं पीऊंगा, चाहे उसके सीली में ही खोल रहा हूँ तो भी मैं नहीं पीऊंगा, मैं यहाँ बैठूंगा बस 2 मिनट के लिए, आपसे जो बात होनी है जो है उसमें मैं हिस्सा, और खाना पीना भी तुम बाद में शुरू करो तो ही अच्छा है। पर दो ब्राह्मण आई एस आए तो कि ये तो मतलब नहीं कहेंगे, तो वो तो सबसे ज्यादा वही खाया उन्होंने ब्राह्मण आईएएस नहीं खाया वो सबसे ज्यादा। तो जहां कहीं ड्रिंक होता है तो ड्रिंक में भी वही टूट के पड़ते हैं, खाने में भी वही टूट के पड़ते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो जिस भी पार्टी में पहले जाते थे तो इस ग्रुप में तो वाइन भी रहती है और ये भी रहता है नॉनवेज, तो जितनी भी पार्टी होती है उसमें वाइन भी होती है और वो भी होता है, हम लोग तो नहीं खाते पीते, लेकिन अब वो वहां तो होता है, लगा रहता है काउंटर, आप जब आईएएस हो जाओगे तो जितनी पार्टियां होगी उसमें लास्ट में वाइन भी मिलेगी, एक काउंटर वाइन वाला भी रहता है वहीं पे ओपन। इसलिए किसी आईएएस से जाके शिकायत मत कर देना कलेक्टर से, उससे सर वहां तो लोग शराब पी रहे थे और ऐसा वैसा, तो सब जगह आईएएस बहुत आपको बहुत सपोर्ट करेगा, वो खुद ही पीता है, 99% आईएएस शराब पीते हैं।
99%। और ब्राह्मण भी होगा तो वो मुर्गा भी खाता है, ब्राह्मण आईएएस भी 99% मुर्गा खाता है, तो इस चीज से उनको परहेज नहीं है। आप कहोगे ये तो जैन है, आईएएस है और जैन है, ये तो आईएएस है और ब्राह्मण है, तो इनके सामने तो खुल करके बात की जा सकती है, नहीं कर मत देना कभी, क्योंकि वो तो खुद ही खाता है। पक्का बता रहा हूँ, तो खुद ही खाता है। हम जितने भी पार्टीज में जाते थे वहां पे सब ये सब चीजें कॉमन है, वहां होता ही है, काउंटर ही होता है। तो जिसने कभी नहीं चखा हो ना, वो भी ऐसे चक्कर में, ऐसा माहौल होता है कि वहां उस चक्कर में पड़ जाता है, मामूली बात। तो हम लोग रिजिड रहे उसमें, लेकिन वो लोग तो जैसे मैं कॉफी लेके खड़ा हूं तो वो तो अपना ड्रिंक का ग्लास लेके पास में आके खड़े हो जाते। यूपीएससी वो आपका मसूरी वाला वो आपको ये सब चीज सिखाता है, वहां से कल्चर आता है। यहाँ जो एकेडमी है भोपाल की, ये सिखाती है आपको, ये कल्चर का हिस्सा है। आपका जो आईएएस मेस है वहां ये कल्चर मिलेगा, आपका जो आईएएस मीट होता है, आईपीएस मीट होता है, उसमें मीट हर साल करते हैं लोग, सब लोग मिलते हैं 3 दिन के लिए गैदरिंग होती है, उसमें सब तरह के फंक्शन होते हैं, वहां दोनों टाइम खाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है, उनमें सब में ये सब चलता है, पार्टियां होती हैं उनमें सब में चलता है। आप दिल्ली गए मीटिंग के लिए, पूरे देश भर से 30-40 आईएएस इकट्ठे हुए, सेक्रेटरी इकट्ठे हुए, वहां ये सब चलता है। तो ये तो कल्चर का हिस्सा है, अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ है। अंग्रेजों के टाइम पे जो चलता था, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर होते थे, ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, और वो इकट्ठे होकर के जिस कल्चर में जीते थे, आज भी उसी कल्चर में सारा काम चल रहा है, सेम कल्चर, उन्होंने बंद ही नहीं किया वो कल्चर। तो बहुत सारे यंग ऑफिसर जिसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया हो, वो आ जाकर के शुरू हो जाते, क्योंकि उनका सीनियर जो उनको प्रमोट करेगा, जो उनकी सीआर लिखेगा, वही ऑफर करता है। अजय क्या कर रहा है उधर, इधर ये उठा प्लेट सर, मैंने कभी नहीं कहा, अरे चक तो सही, और उसका इतना सीनियर ऑफिसर है वो, जी सर, सर यस सर, सर चकता हूँ, ड्रिंक का ग्लास लाके पकड़ा देंगे, इतने बड़े सीनियर, तो वो मना ही नहीं कर पाते। एथिक्स वाला पेपर भी सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, वहां तो एथिक्स कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने तो पंगा लिया, हम लोगों ने तो भूख हड़ताल भी की, हमने तो विरोध भी किया, एक बार तो मैंने रिजाइन ही इसी बात पे दिया, मैंने कहा आप सब सबके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ओपन में कैसे कर सकते हो। तो फिर उन्होंने प्लेट लगवाया आगे, नाम नाम लिखवाया कि ये नॉन वेज है, ये वेज है, ये नॉन वेज है, ये वेज है, ऐसा बकायदा वहां तख्तियां लगवाई। मैंने कहा नहीं, तख्ती लगाने से क्या होता। तो फिर वो जो डायरेक्टर जनरल थे वो खुद आए, बोले कि बेटा तुम चाहते क्या हो। मैंने कहा हम कुछ नहीं खाएंगे, आपने कहा ये सार्वजनिक जगह है, इसमें ये क्या क्या फैला रखा आपने नाटकबाजी। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरेन से जो डेलीगेशन आया था, उसमें स्विट्जरलैंड के लोग थे, यूरोप के थे, अफ्रीका के थे, उन सब ने वेज खाया, और हमारे यहाँ के जो हमारे ऑफिसर थे वो सारे नॉनवेज पे टूट के पड़े। हमने कहा चला ये बुक्कड़ है, मतलब जिनके लिए तुमने नॉनवेज स्पेशली मतलब बनवाया था कि ये लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। मैं उन लोगों को देख रहा था कि वो सब वेज खा रहे हैं, वेज की तरफ लाइन लगा के खड़े हैं, और उनको वेज अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है हम तो इंडिया आते ही इस लालच में है कि हम ये खाएं, ये तो हमारे यहाँ बहुत है। और यहाँ के जो थे उनको लगा कि यार रोज साला घास फूस खा रहे हैं, ये आज मिला है कुछ। हमने कहा मेरे डर से 40 दिन तक वहां कुछ नहीं बना, मैंने कहा अगर ये बनेगा तो मैं छोड़ दू, मैं अकेला सत्याग्रही था, तो 40 दिन तक मैंने कुछ नहीं, बीच बीच में ऑफर आया, मैंने कहा भैया मैं नहीं खाऊंगा, फिर मैं घर पे जाके खाऊंगा कहीं किसी के, या फिर कुछ और होगा अगर तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ की। तो उन्होंने 40 दिन तक ठेकेदार को बोल दिया था, पैसे जमा कराते 2300 रुपए जमा कराए थे एक महीने के खाने के, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो ये मैं जमा करा रहा हूँ इस शर्त पे कि मुझे प्योर खाना मिले, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। बोले नहीं आप जमा करा दो सर, बिल्कुल कुछ नहीं, मैंने बात कर ली है सब, ऊपर तक बात कर ली, कहीं कोई प्रॉब्लम। अचानक 40वें दिन गड़बड़ हो गया, हमने बॉयकॉट कर दिया, हमने कहा आप खाना नहीं। तो डायरेक्टर जनरल खुद, उसकी वाइफ, दोनों खिचड़ी बना के लेके आए मेरे लिए रात को हॉस्टल में, बोले कि ये तो खाओ बेटा, 2 दिन हो गए, और ये
अच्छा केला तो खा सकते हो, पर मैंने कहा लाए कहां से, वहीं से उठा के। मैं तुम लाए क्यों? मैंने कहा इसको बोले चलो ठीक है सॉरी अब नहीं। फिर मैंने कहा नहीं अब हम रिजाइन देंगे, अब हम छोड़ देंगे इसको। फिर हमने रिजाइन दिया तो मैडम ने पार्टी दी उन्हें, बोले ये बहुत बड़े आदमी बनेंगे, मैं इस बात की पार्टी देता हूँ। पहली बार बोले हम लोग रिजाइन की पार्टी दे रहे हैं, ज्वाइनिंग की तो सभी देते रिजाइन की पार्टी दे रहे तो रिजाइन की पार्टी हुई थी, बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, शाकाहारी पार्टी थी। तो अब बहुत लोग याद करते हैं उस पार्टी को, बहुत अच्छा जश्न हुआ था, सबने मिलकर के सेलिब्रेट किया। बोले कि ये बहुत बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। खैर उतने बड़े तो नहीं बन पाए लेकिन ठीक था, संतुष्ट है अपनी लाइफ से। तो हमने तो सत्याग्रह किया, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि वहां पर आप उस तरह से बने रहो बहुत मुश्किल होता है। विदेशों में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अधिकांश आईएएस तो इसलिए मांसाहारी हो जाते हैं कि उनकी पहले, अब इस साल पिछले साल से खत्म किया है फॉरेन ट्रेनिंग, नहीं तो पहले आईएएस की फॉरेन ट्रेनिंग 6 महीने की या 2 महीने की, कितने कितने 8 सप्ताह की थी शायद, वो कंपलसरी थी, मैंडेटरी थी, यानी एक व्यक्ति को 2 महीना 3 महीना फॉरेन में रहना ही है आईएएस को, अगर वो आईएएस आईपीएस है। पिछले 2 साल से खत्म कर दिया, अब जरूरी नहीं रहा। तो कई लोग जो 2 साल पहले तक जो भी आईएएस बनते थे, नॉनवेज खाने की प्रैक्टिस इसीलिए करते थे कि जिस देश में जाएंगे वहां नॉनवेज खाना पड़ेगा, तो अभी से प्रैक्टिस करो एकदम उल्टी ना हो जाए, तो उसकी प्रैक्टिस करते थे कि कभी कभी खाते रहना चाहिए ताकि आदत में रहे। मैंने कहा ये कौन सा तरीका आदत में रहे, मैंने कहा जब जरूरत होगी तब आप देखना अल्टरनेट ढूंढना। मैं यूएस में रहा तो अभी 2500 रुपए टैक्सी के देता था, 1200 रुपए की थाली के, टैक्सी के 2500 रुपए देते, 2500 रुपए की टैक्सी करके 1200 रुपए की थाली खाने जाता था। और थाली वही हमारे यहाँ वाली है, लेकिन लगते 1200 रुपए थे, 1200 से 1800। एक ही रेस्टोरेंट था पूरे न्यूयॉर्क में, ढंग का, मतलब मुझे नाम भी अहिंसा था, लेकिन ड्रिंक तो वहां पे भी थी। मैंने कहा ड्रिंक व्रिंक तो तुम तुम्हारे पी लो, लेकिन बाकी प्योर था। नाम ही उसका अहिंसा नाम का रेस्टोरेंट था, तो मुझे हाथ लग गया। मैंने काफी सर्च किया, गूगल पे भी किया, इधर उधर, कई बार तो उसी के चक्कर काटता रहा, वो ठीक से लोकेशन ही नहीं बताता था क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सर्च ही नहीं करते। फिर मैंने देखा कि वहां लोग वो ड्रिंक तो लास्ट में दे रहा है, शराब तो देता ही आखिरी खाने के बाद, वो तो ऑफर कर ही रहा है। चलो मैंने कहा चलो शराब तो अच्छी है ना, जरूरी तो है नहीं पीना, लेकिन यह है कि वहां कम से कम रोटी सब्जी दाल चावल तो मिल जाएगा ना, वो तो बाकी तो कई जगह पर खाना ही बेकार है, मतलब खा ही नहीं सकते आप। इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से भी मिल जाएंगे, शर्मा जी का ढाबा या कुछ इस टाइप से भी लिखा होगा, तो वो बोलेगा नहीं यहाँ है दोनों, तुमको तुम्हारा वेज मिल जाएगा, यहाँ है दोनों, नॉन वेज भी होगा वेज भी होगा। तो अब मैं कट्टर शाकाहारी होने की वजह से बहुत परेशान रहा, लेकिन मिलता है, थोड़ा खर्च करना पड़ता है, महंगा पड़ता है, मिलता है। या फिर वेगन वो मिलता है तो वो बड़ा अजीब है कि आपको सारे पत्ता गोभी और पालक और ये सब काट के कच्चे दे दिए और उस पे जैतून का तेल डाल दिया। अब उसको खाओ, खैर ये कैसे खाएंगे, ये तो गाय बना दिया इसने। तो बकरी गाय तो नहीं बन सकते ना, उन्हें को तो खाना चाहिए बकर, रोटी सब्जी चाहिए, वो थोड़ी सी दिक्कत है। ये हो जाता है, उसके लिए तो फिर आपको या तो फिर खुद ही बना के खाओ या किसी के घर रहो पेइंग गेस्ट टाइप, पर वो भी शुद्ध हो तब, बहुत मुश्किल है सरवाइव करना शाकाहारी लोगों के लिए। ये बात तो है, दिक्कत बहुत आती है शाकाहारी लोगों को। पूरे हिमालय में घुमाऊ मैं, हिमालय में भी अधिकांश जगह मुसलमान लोग बस गए और चिकन और मीट इतना मिलता है पूरे हिमालय, चाहे वो पिथौरागढ़ हो चाहे वो ऊपर का जो भी हो, वो मायावती आश्रम जो मैं बता रहा हूँ विवेकानंद वाला, वहां पे भी नीचे सब जगह लोहागढ़ वगैरह सब जगह पर आपको मीट और चिकन और वो पूरे देवभूमि हिमालय बोलते हैं, लेकिन वो सब मांस भूमि है, नॉनवेज भूमि हो गई, पूरा हिमालय जो है मांसाहार से भरा पड़ा है, बहुत खतरनाक है। पहाड़ी लोग खूब खाते हैं मांस और वो एतराज नहीं करते,
और बाहर के टूरिस्ट भी खूब खाते हैं, और पूरा हिमालय मुझे लगता है केदारनाथ में मिल जाए। केदारनाथ को जरूर थोड़ा बहुत वो शुद्ध कर रखा होगा, बहुत बुरी हालत। तो थोड़ा सा शुद्ध शाकाहारी लोगों की पीड़ा मैंने आपको बताई। मैं चूंकि दोनों तरह की स्टेट लेवल की सेंट्रल लेवल की सभी तरह की ट्रेनिंग में रहा, और तमाम फंक्शंस और तमाम प्रकार की मीटिंग कॉन्फ्रेंस सब तरह की चीजें अटेंड कर रखी है, पूरा माहौल मुझे पता है। और दिल्ली में आप बहुत ओपन है, आप तो देखते हो कि दिल्ली में जो माहौल है कैसा है, पूरा बहुत आसान। मुझे दिल्ली बहुत ज्यादा जाना पड़ता था तो बहुत दिक्कत आती थी, तो इतना आसान नहीं है वैसे लोगों का सर्वाइव करना। जबकि भ्रष्ट का, ड्रिंकर का, नॉन वेजिटेरियन का ग्रुप भी बहुत जल्दी बनता है, सपोर्ट भी बहुत जल्दी मिलता है, प्रमोशन भी जल्दी होता है, पैसा भी जल्दी जल्दी बढ़ता है, उसको कतई दिक्कत नहीं आती। तो मेरे बारे में आप समझ सकते हैं, कई लोग बहुत पूछते हैं ना कि रिजाइन क्यों दिया, तो उसके कई कारण मैंने बता दिया कि रिजाइन क्यों दिया। लेकिन आप लोग एक अच्छा ग्रुप बना सकते हो। मैंने जब ग्रुप बनाया तो मेरे पास अच्छे इस प्रकार के वेगन डाइट वाले बहुत सारे लोग तैयार हो गए थे। फिर मैं स्प्राउट तैयार करता था तो मेरे रूम में 4-5 लोग आते थे सुबह 5 से 6 के बीच स्प्राउट खाने के लिए, और एक अच्छा ग्रुप बन गया था हमारा जो बहिष्कार करता था किचन का, मेस का जाते ही नहीं थे, मेस में जाने की जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर हो गए थे। कुछ जॉब ऐसे थे जिसमें हमने आत्मनिर्भर तरीका अपनाया, मेस में जाना ही नहीं, फ्रूट्स ला के रखते थे, सलाद बनाते थे अपने कमरे पे, और ये बनाते थे स्प्राउट बनाते थे, बस उससे काम चला लेते थे, और ड्राई फ्रूट रखते थे प्रोटीन डाइट के लिए, ड्राई फ्रूट हो जाता था तो उससे काम चलाते थे। तो ग्रुप हो गया था देखा सा 5-6 लोगों का, तो बोलते हमको भी जाना ठीक नहीं लगता, हमको भी जाना ठीक नहीं लगता। तो मैंने कहा सब इन्वाइट हो, आप लोग आ जाओ सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में, हम 5 बजे उठते हैं, 6 बजे तक ये सब कापी के बराबर कर देते हैं, तो फिर आ जाओ जल्दी। तो सुबह 6 बजे तक जो हम सबका खाना पीना सब हो जाता था, फिर शाम को 8 बजे जुटते थे। जब जब भोपाल में रहते थे तब भोपाल में यही 10 नंबर और यही सब सब्जी मंडी और यहाँ घूमते रहते थे, कभी कोई गाजर खरीद रहा है कोई क्या, तो सब कंट्रीब्यूट करते थे, कोई खीरा लेके आता था, कोई गाजर लेके आता था, कोई टमाटर लेके आता था, तो सब अलग अलग चीजें खरीद के लेके आते थे। मसूरी में दिक्कत आती थी, मार्केट में भी नहीं मिलती थी, बाहर दिक्कत आती थी, तो उधर दिक्कत आती है, दिल्ली में दिक्कत आती है कई बार, तो यहाँ भोपाल में तो बहुत आसान है, यहाँ तो खाना भी बहुत है शाकाहारी खाना, भोपाल शाकाहारी है, उधर चले जाओगे तो है थोड़ा सा पुराने भोपाल में मांसाहार, इधर थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, अगर आप रहोगे तो शाकाहारी बन सकते हो, लेकिन केवल इस आधार पर नौकरी भी मत छोड़ देना, बाहर जाके खा लेना उस दिन। और हम लोगों को तो छोड़ने का बहाना चाहिए था, आपके पास इतने अल्टरनेट नहीं होंगे ना, हमने एक बहुत बड़ा ये कोचिंग वाला अल्टरनेट हमेशा रखा, इसलिए हमको नौकरी छोड़ने में दिक्कत नहीं आई। हमको था कि कोचिंग तो चला ही लेंगे, कोचिंग तो चलती है, स्टूडेंट तो घर पे बैठे ही होते थे ना रोज, नौकरी भले ही चल रही लेकिन स्टूडेंट तो रहते ही थे, और संपर्क में भी थे हम स्टूडेंट्स के, किसी भी दिन बोल देते थे तो। और अब तो बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं, तो बीच बीच में हम आपको ये भी हमारी कहानियां सुनाते रहते हैं, शायद इससे भी आपको कुछ प्रेरणा मिले, ताकत मिले। चलिए तो क्या लिखा, 5 बातें बताओ WTO की जिसकी वजह से प्रभाव पड़ा, क्या 5 चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से आप अलग नहीं रह सकते, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर होने में दिक्कत आती है आपको, राजेश तुमको टेंशन हो गई क्या? नहीं, एकेडमी में बनता है अभी भी बनता है, किसने कहा नहीं बनता, तुम जवाब दे रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तुम? हाँ क्या क्या टेंशन हो गई तुम? क्वेश्चन है तो आंसर ये है कि अभी भी बनता है, पर यह है कि सामने वो लिखा रहता है, ये नॉनवेज तख्ती लगी होती है वहां, तो आप चाहो उसको लो चाहे ना लो, पर चम्मच इधर उधर हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते।
चम्मच तो अब वहां डला हुआ है, किसी को बोलो उसी से भेज लेना, उसने चेंज कर दिया है। वो जो होते हैं खड़े रहते हैं वेटर वगैरह, वो उनका कोई भरोसा नहीं ना, किसी ने चम्मच चेंज कर दिया तो क्या करोगे, इतनी सख्ती नहीं होती। इसलिए हम भूखे रहते थे, एकेडमी में हमेशा हमारा 3-4 किलो वजन कम हो जाता था। जब जब ट्रेनिंग में गए तब 3-4 किलो वजन कम हो जाता, अधिकांश समय भूखे रहते थे। अपना सूखा घर से बनवा के ले जाओ, अब हमारा सूखा फिर वो सब खा जाते थे ना दोस्त लोग। शाम को किसी को मना नहीं कर पाते हैं। आप उदारवादी होते हो तो लिबरल होने में नुकसान ये है कि कोई भी आता है टटोलता है और उसको कुछ मिलता है तो बोलता है ये बहुत टेस्टी है, तो वो खा जाता था। तो जो घर से लोग बना के देते थे वो सब खा जाते थे, फिर लटक जाते थे। कुछ लोग बोलते थे अत्याचार मत करो, ये खाता नहीं है कुछ, इसका बचा के रखो। कुछ लोग बोलते थे अरे सब खा लेगा। तो ये पर चिंता मत करो, तुम्हारी व्यवस्था करा देंगे वहीं पे, ठीक है। मैं तो कोई गायत्री परिवार का शक्तिपीठ देख लेता था ऐसी जगहों पे, या फिर ब्रह्मा कुमारी आश्रम देख लिया, या फिर जैन धर्मशाला देख ली, ऐसे 3-4 जगह मिल जाती थी कुछ न कुछ जो दे देते थे, मिल जाता था। वहां जाके मांग लेते थे जाके, भाई हम भूखे हैं खाना खिलाओ। तो वो लोग खिलाई देते थे, कोई मना नहीं करते, हम अधिकारी भी हैं और भूखे भी हैं। तो फिर बोलते अच्छा इतने बड़े अधिकारी और फिर भूखे भी हैं, चलो आओ आओ खिलाते हैं। बहुत अच्छे से खिलाते थे, डाइनिंग टेबल पर बिठा के खिलाते, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। पर वो हमेशा संभव नहीं है ना, क्योंकि ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, कहीं पर भी जाना है तो उतनी छुट्टी मिलनी चाहिए उतना बाहर जाने की। फिर हम परवाह नहीं करते थे कि जब तुम सब मानसिक आते हो और दारू ही पीते हो तो चला तुम्हारा ऑर्डर क्या पालन करना, हमारे में ऊर्जा गांधी जी घुस जाते थे अंदर। तो हम तो हमारा खाना खाने जा रहे हैं, तुम जाओ बाढ़ में, तुमको जाओ तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। मैंने कहा हम तो नौकरी छोड़े हैं, तुमको ले डूबेंगे, तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी। धमकी भी दे देते थे उसको, बॉस बॉस कुछ नहीं होता था हमारे लिए, फिर डायरेक्टर वायरेक्टर ये वो, कोर्स डायरेक्टर ये, पढ़ाने वाले ये वो, कोई हैंकड़ी नहीं चलती थी हमको। अगर दिख जाता था कि रात को टांग चपा रहा था, उसके बाद हमारे सामने उसकी इज्जत दो कौड़ी की, उसके बाद हमारे सामने उसकी कोई औकात नहीं, फिर उसको हम कुछ भी बोल देते, चोर साले भ्रष्ट कहीं के मूर्ख आदमी, कुछ भी बोल दो उसको, उसकी हिम्मत नहीं को पलट के जवाब देते। तेरे को नंबर दे, बोला हम 0 दे देंगे, तेरे नंबर तेरे पास ही रहे, हम जा रहे हैं। ये वाला स्वभाव था। तो नौकरी छोड़ने तो मतलब बिल्कुल एकदम ताक पे रहता था इस्तीफा, तो मतलब तू जा भाड़ में। उसको अच्छा निपटाते थे, हार्ट अटैक हो जाए उसको, इतना इतना ओछा बोल देंगे कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, तो फिर तो दिमाग खराब हो जाता था उसका, तो कोई पंगा नहीं लेता, ये आदमी बहुत बेकार है। तो फिर हम तो क्लास छोड़ के, मान लीजिए हमको भूख लगी 3 बजे और 5 बजे तक क्लास है, और हम तो 3 बजे उठ के चलते, तो किसी की हिम्मत नहीं कि कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे ये। हम जा रहे हैं सिग्नेचर करके, प्रेजेंट थे और अब हमको लग रही है भूख, क्योंकि 1 बजे जो लंच हुआ उसमें खाने लायक कुछ भी नहीं था। अब तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारी एकेडमी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पोस्ट, और तुम जो हो हेंकड़ी में रहो। बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, अपना खा पी के आते थे आराम से, और फिर जाके कमरे पे सो जाते थे, बाढ़ में जाए ट्रेनिंग। तो इस टाइप से तो नौकरी हर कोई नहीं करता। अभी मेरा भाई और वो बहुत सारे सोचते हैं कि हम भी ऐसे नौकरी करें तो फंस जाते बेचारे, वो फंस जाते। मैंने कहा नहीं, तुमको नौकरी करनी है कि छोड़ना, बोले नहीं हमको तो नौकरी करनी। मैंने कहा तुम ऐसी हरकतें मत करो, मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे करनी नहीं थी, मैं तो अपने हिसाब से रहता था। बहुत सारे नकल करने की कोशिश करते हैं तो नकल इसलिए नहीं हो पाती, क्योंकि फिर आप तो डरते हो ना कि नौकरी चली जाएगी, आपको तो मानसिक शांति भी चाहिए, आप तो चाहते हो कि मैं यहाँ से 5 बजे जाऊं तो बिना टेंशन के जाऊं, फिर आराम से सो जाऊं, तनाव बिल्कुल ना रहे। फिर तो तनाव रहेगा आप लोगों को, मैं तो तनाव लेता ही नहीं था ना, मैं तनाव लेता ही नहीं था। मेरे को रास्ते में वो दिख जाता था, मैं उससे नमस्कार ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे इस बात से नफरत थी कि वो टांग चबा रहा था, तो मैं तो उसे नमस्कार ही नहीं करता। इतने हम लोग कट्टर थे, तो और हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था उस चीज से कि ये नाराज हो जाएगा, ये क्या होगा, बाढ़ में जाते नाराज होना, अभी कुएं में कूद जाते नाराज होना की बात की बात, मर्जी आए जो कर, हमको तेरे से बात ही नहीं करना। तो ये होता था।
अब ऐसी नौकरी हर कोई कर सकता है? नहीं, आप लोगों को तो नौकरी करनी पड़ेगी, आप तो नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हो, उससे सैलरी मिलेगी, उससे आपका परिवार चलेगा, तो आप लोग ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, आप लोगों को निभाना पड़ेगा, उसको नमस्कार भी करना पड़ेगा, उससे मार्क्स भी लेने हैं, उससे सर्टिफिकेट भी लेना है, वही आपका विदाई समारोह करेगा, वही आपको पावर देगा, उसी की वजह से आपको सैलरी मिलेगी, तो फिर आप पंगा नहीं ले सकते, सब लोग नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन इतनी व्यवस्था आप में से कोई भी जाएगा और कभी हमको कहेगा कि सर अब हमारी इतनी चलती है कि हम आपकी व्यवस्था करा सकते हैं आपके हॉस्टल में खाना आ जाएगा, अच्छा वाला आ जाएगा, हर शहर में कोई सा भी शहर हो, कोई सा भी ट्रेनिंग प्लेस हो, अब इतना हमारे पास दम है, ऐसी सहायता आप हमसे मांग सकते हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे स्टूडेंट्स का इतना भी वो संकल्प लेंगे, उन संकल्पों को पूरा करने की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि हम आजीवन ईमानदार रहेंगे तो आप ईमानदार बने रहेंगे, आपकी ईमानदारी को कोई छेड़ नहीं पाएगा। आप कहोगे कि हमने ये संकल्प लिया है कि हम ऐसा करेंगे तो आप उस संकल्प को निभा पाओ, उसमें हम आपकी मदद कर देंगे, आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अब हमारे टाइम तो कोई था नहीं ना मदद करना, हमारे ऐसे कोई गारंटी लेने वाला होता तो मजा आ जाता, हमारी किसी ने गारंटी नहीं ली, इसीलिए तो हम तंत्र खड़ा कर रहे हैं अभी, नया सिस्टम, आप लोग बनोगे तब तक तो और खड़ा हो जाएगा, और बड़ी संख्या हो जाएगी। चलो राजेश, टेंशन मत करो, ठीक है, अभी यही हो भोपाल में कि वहां चले गए जैसलमेर? चिंता मत करो, मैं समझता हूँ कई लोग बहुत हार्डली लेते हैं इस चीज को, होते हैं कुछ बहुत दिक्कत है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो एक तो ये वाला मुद्दा है जो आत्मनिर्भर भारत से, ओके, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी आंदोलन की तुलना वाला। दूसरा, आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, इसका तुलनात्मक अध्ययन आ सकता है। आपने महिला आंदोलनकारियों को भी देखा होगा, किसान आंदोलन में भी, और भी शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, और भी देखोगे महिलाओं की भागीदारी अभी अच्छी खासी होती है। स्वतंत्रता संघर्ष में जो महिलाओं की भागीदारी थी और अभी की महिलाओं की भागीदारी है, उन दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है महिलाओं की भागीदारी? तो आप देखोगे कि जो साक्षर महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी होती है, चाहे वो स्वतंत्रता संघर्ष हो चाहे अभी का संघर्ष। अभी निरक्षर भी आ जाती कई बार, इतनी तो उस समय में भी आ जाती होगी साक्षर महिलाओं के आह्वान पे, लेकिन साक्षरता बहुत मायने रखते, लिटरेसी। गुस्सा किसको आता था, किन महिलाओं को गुस्सा आता था? जो लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, ठीक है। तो ऐसी समानताएं भी लिखनी है और असमानताएं भी लिखनी है। फिर एक ऐसा तुलनात्मक अध्ययन आ सकता है, मीडिया की भूमिका। स्वतंत्रता संघर्ष में मीडिया की भूमिका और अभी के आंदोलनों में मीडिया की भूमिका, दोनों में मीडिया की भूमिका। तो मैं आज आपको प्रयोगात्मक प्रश्न बता रहा हूं, कल मैंने अलग तरह के प्रश्न बताए थे, आज वो प्रश्न जो जिनमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं। तो अब आप देखते हो कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तो पत्र पत्रिकाएं कितनी थी, मैंने कितनी लंबी लिस्ट बताई, ढेरों समाचार पत्र, ढेरों मैगजीन्स होती थी, पैम्पलेट्स होते थे, तो छपी हुई सामग्री होते थे, तो प्रिंट मीडिया का रोल था। किसका रोल था? प्रिंट मीडिया। अभी के वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल ज्यादा है, सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कम है अभी। अभी 90% तो है, 60% तो है आपका सोशल मीडिया, 30% है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 10% है प्रिंट मीडिया। उस समय 100% कौन सा था? प्रिंट मीडिया। तो दोनों में अंतर ये है बहुत बड़ा। दूसरा, उस समय के जो पत्रकार थे वो पत्रकार प्रोफेशनल उस तरह के नहीं थे, बल्कि वो सेवा के लिए पत्रकार थे। अभी नौकरी है उनकी पत्रकारिता की, नौकरी है तो जो मालिक है उसके हिसाब से कॉरपोरेट का न्यूज मीडिया है, तो न्यूज मीडिया चूंकि कॉरपोरेट का है तो कॉरपोरेट के इंटरेस्ट के हिसाब से पत्रकार को पत्रकारिता करनी पड़ती थी। और उस समय देशभक्ति से ओतप्रोत पत्रकारिता, पेट्रियोटिज्म था, पत्रकारिता मतलब पेट्रियोटिज्म, यानी कि
वो पैट्रियट्स थे, वो देशभक्त थे उस समय के पत्र। अभी के पत्रकार देशभक्त हैं क्या? नहीं, देश के खिलाफ भी जा सकते हैं, देश के अगेंस्ट कुछ हो रहा है और कॉरपोरेट हाउस का अगर मीडिया ग्रुप है तो अगेंस्ट भी जा सकता है पत्रकार। तो आप तुलना करो, मजेदार तुलना हो जाएगी। तो क्या उस समय ऐसे पत्रकार रहे होंगे जो ब्रिटिशर्स खरीद लेते हों उन पत्रकारों को? हाँ, दांडी मार्च के ऊपर आपने देखा होगा गांधी की जो पत्रकारिता करने के लिए आए थे, क्या नाम था उन पत्रकार? दो पत्रकार थे ना, दांडी मार्च में दो पत्रकारों का नाम आता है। लेकिन गांधी एक ऐसा व्यक्ति तो था कि वो इंप्रेस कर लेता था, कभी कभी विरोधियों के पत्रकार भी उसके फेवर के हो जाते थे, भेजते थे वहां गांधी की जासूसी के लिए और गांधी की खबरों के लिए, लेकिन वो गांधीवादी बन के निकलते थे वहां से। गांधी बहुत बड़े जादूगर थे, उनके चक्कर में जो आ गया वो उन्हीं का हो गया। इसलिए गांधी के लिए हिदायत दिए जाते थे, गांधी से बात मत करना, तुम जाओ तो देख के आ जाना लेकिन उनसे बात मत करना, बात जो अगर तुमने कर ली फिर उनके हो जाओ। वो गजब का इंप्रेस कर देते, गांधी की विशेषता थी, क्योंकि सच बोलने वाले से इंप्रेस बहुत होता है, सच बोलने वाले से बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रेस होता है। गांधी के लिए बड़े बड़े लोग डरते थे और डराते थे कि गांधी आपको दिखेगा दुबला पतला सा है लेकिन है जादूगर, हिप्नोटाइज कर देते। तो कई लोग जो गांधी से मिले नहीं है वो वही उसकी बुराई करते हैं, जो मिल लेता है बात कर लेता है वो तो फिर कायल हो जाता है उसका। नाथुराम गोडसे को बहुत दिक्कत आई होगी, इसलिए नाथुराम गोडसे को केवल हत्यारा कहना, मतलब उसने जितनी ट्रेनिंग की होगी, बहुत ट्रेनिंग की थी, पता है गांधी को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद बंदूक दबेगी कि नहीं दबेगी गांधी के सामने वो बहुत बहुत रिस्की काम था। मुझे लगता है उसने ना ड्रिंक किया होगा, अपना दिमाग को खराब किया होगा, बहुत कुछ उसने कुछ नशे का सेवन भी किया होगा, अदरवाइज वो गांधी को नहीं मार पाता, नशा भी किया होगा, ऐसे तो गांधी को मार ही नहीं सकता, उंगली ही नहीं कट चलेगी, बहुत मुश्किल। उसी आधार पे उसका वकील बोलता भी था कि इनको माफ किया जाना चाहिए, नाथुराम गोडसे को फांसी नहीं होना चाहिए, इसी इसी आधार पे बोलता था कि होश में नहीं, वो गुस्सा दिलाना, उसके लिए दो लोग लगातार उसको होटल में रुक करके ट्रेनिंग देते रहते थे नाथुराम गोडसे को, नहीं तुमको ये करना है, ये तुम्हारा धर्म है, ये गीता में लिखा है, ये भगवान कृष्ण ने कहा, ये फलाना है। तो उसको जानबूझ करके धार्मिक बनाया गया, उसको जानबूझ करके उसको ऐसा कहा गया कि भगवान चाहते हैं कि ऐसा हो, ईश्वर चाहता है ऐसा हो, तो ऐसा करके उसका ब्रेन वॉश हुआ था, तब जाकर के वो कर पाया उस काम को, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल था गांधी को मारना, उसके सामने जाके गांधी के सामने जाकर के बोली नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे महापुरुषों को मारना बहुत मुश्किल होता है, जो मरने से नहीं डरता ना उसको मारना बहुत मुश्किल होता है। मरने से कोई डरता नहीं है तो उसको मारना तो फिर, क्योंकि उसके आंखों में तो कुछ होता ही नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं कि तुम क्यों मारना चाहते हो, उसका जवाब उसके पास होता नहीं। जो निर्दोष व्यक्ति को और निडर व्यक्ति को मारना बहुत मुश्किल होता है, ये रहता है। निर्दोष के साथ निडर भी होना चाहिए, केवल निर्दोष होने से तो बात नहीं बनती, निडर भी होना चाहिए। हमारे गुरुजी पे हमला करने गया था वो एक आदमी, तो उससे गन ही नहीं चली और चाकू छुरा लेके वार किए, तो घाव तो बने लेकिन मार नहीं पाया। गुरुजी ने कहा बेटा क्या कर रहा है, क्या मतलब है तेरे को, अभी मैं मरूंगा नहीं और इतने आसानी से, और तेरे को दिक्कत आ जाएगी, तू भाग जा उससे पहले कि लोग आए ऊपर और मुझे इस हालत में देखे हैं, तू चला जाने, तेरे को मार डालेंगे,
मैं बचा ही नहीं पाऊंगा तेरे को, बेटा तू भाग जा। भगाया उसको, अगर एक आध गोली लगती गांधी को और अगली बार अगर उससे गन नहीं चलती तो हो सकता है गांधी उसको बोलते किसको भाग जाने, कोई पकड़ो मत इसको, और उसको खुद को बोलते नाथुराम गोडसे को कि तू भाग जा, पकड़ लेंगे तेरे को लोग, पक्का बता रहा हूं। वो तो उनको मौका ही नहीं मिला, उसने दो तीन गोलियां दाग। हाँ, पर इंदिरा गांधी ऐसी नहीं थी पर उसने बॉडीगार्ड रखे, फिर भी निडर वो भी थी, उसको कह दिया था कि सिख आतंकवादी आपको मारना चाहते, कम से कम आप अपने सुरक्षा में एक भी सिख व्यक्ति को मत रखो। बोले नहीं, इन्होंने इतने साल मेरी सेवा की। राहुल गांधी बोलता है मेरे साथ बैडमिंटन खेलते थे वो, जिन लोगों ने गोली मारी मेरी दादी को मेरे साथ बैडमिंटन खेलते थे, मुझे गोद में उठा के इधर उधर लेके जाते थे, उन्होंने ही मेरी दादी को गोलियां मारी। तो उसके दिमाग पे कितनी भयंकर प्रिंट हुई है कुछ टेररिज्म। और धार्मिक अंधता, धर्म के प्रति अंधापन। अब ऐसा आदमी धार्मिक रूप से अंधा होगा क्या जिसने धार्मिक अंधापन देखा? जाति और प्रजाति अंधापन देखा, अपने पिता की हत्या देखी, वो प्रजाति रेशियल तमिल वाला लिट्टे, तो उसने प्रजाति वाला भी देख ला, धर्म वाला तो एथनिसिटी वाला तो देखा है ना उसने, तो एथनिसिटी तो वो कभी भी नहीं चाहेगा, दो दो चीजें देख ली उसने, बहुत खतरनाक होता है। वो जो गांधी वाला काम है ना पत्रकारिता में, आप देखोगे तो गांधी के सामने पत्रकारिता जो भी करने आया वो गांधी का हो गया। गांधी की रिपोर्टिंग करने आया, ब्रिटिशर्स ने कहा इसके खिलाफ लिखना, लेकिन वो उनके आंदोलन का हिस्सा हो गया। चार पांच बार हुआ है पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में, जो भी गांधी की रिपोर्टिंग करने गया वो गांधी का अनुयायी हो जाता था, उसकी फिलोसॉफी का कायल हो जाता था। ये थे गांधी, बहुत जबरदस्त है। इसलिए जो गांधी साहित्य पढ़ता है वो भी गांधी का हो जाता। मैं कई बार गांधी की आलोचना करना चाहता था और इसलिए गांधी को पढ़ना चाहता था, लेकिन वहां से फेन होके निकला बार बार। मैं सोचता था कि गांधी साहित्य पढ़ के कुछ उसकी आलोचना करने लायक कुछ निकले, लेकिन जब उसको पढ़ने जाते हैं तो गांधी के फैन हो जाते हैं। आलोचना करने के लिए भी आप पढ़ना चाहोगे तो भी आप उसके फैन हो जाओ, इतना जबरदस्त है उनका। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व, बहुत ज्यादा आकर्षक, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं है उनका, ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल। और उसमें गलतियां भी है तो वो स्वीकार करते हैं, हाँ मैं गलत हूं, मैं ऐसा ही, और ये मेरी गलती है और आप मुझे गलत मान सकते हैं, मैं बिल्कुल भी आपसे इस बात पे नाराज नहीं हूंगा कि आप मुझे गलत मान सकते हैं, ये आपका विचार हो सकता है, मेरा विचार है। अब ये कठोर हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये बिल्कुल गंदा है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तो ये मुझे उचित लगता है और ये सत्य है। अब ऐसे में आप क्या कर लेंगे, आलोचना भी कैसे करेंगे? तो कई लोग हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। कई बार पटेल निराश हुए, कई बार नेहरू निराश हुए, कई बार मौलाना आजाद निराश हुए, सुभाष चंद्र बोस तो हुए ही हैं। उनके साथ जितने लोग रहे सारे गांधी से निराश थे, हताश थे, गुस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद गांधी के साथ। शायद भगत सिंह बच जाते तो उसके बाद वो गांधी के साथ होते, सुभाष बोस जिंदा होते तो शायद वो स्वतंत्रता के दिन, चाहे वो नेहरू को शपथ दिलाई जा रही हो प्रधानमंत्री की, लेकिन सुभाष बोस शायद गांधी के साथ नोआखाली में होते। तो जहां हमको मतभिन्नता दिखती वो सारे उनके फैन थे। मतभिन्नता तो आप केवल दो लोगों के लेके आते हो, भगत सिंह की और सुभाष बोस की, क्योंकि दोनों मर गए। अगर वो जिंदा होते तो वो क्लियर कर देते,
कि बापू ही हमारे सब कुछ, फिर क्या करते, क्योंकि जो जो जिंदा थे वो तो सब बापू के थे और विरोधी तो सारे ही बापू के थे, बापू से सहमत तो कोई भी नहीं था उनमें से। गांधी से सहमत या गांधी की इच्छा के हिसाब से चलने वाला तो एक भी व्यक्ति नहीं था, सब कभी ना कभी गांधी से नाराज हुए और वो चाहते थे कि बापू ऐसा क्यों नहीं करते, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मानते क्यों नहीं है, सारे खींचते थे, सभी परेशान थे, लेकिन थे तो उन्हीं के और उन्हीं से प्यार करते थे। तो फिर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को मौका मिलता तो वो भी यही करते, उसमें अलग क्या होता। अंबेडकर को छोड़ के सिर्फ एक बात, अंबेडकर जो है उन्होंने अंत तक बापू को उस रूप में स्वीकार नहीं किया, कम से कम उनसे प्यार नहीं किया और ना ही वो कभी सहमत हुए, आखिरी तक कभी सहमत नहीं हुए। अंबेडकर कभी सहमत नहीं हुए, वीर सावरकर सहमत नहीं हुए, ये दो लोग सहमत नहीं हुए। इन दो लोगों को कांग्रेस नहीं मानती एक तरह से, ज्यादातर इनका महिमा मंडन कभी नहीं किया कांग्रेस ने। बीजेपी ने इन दोनों लोगों को आगे इसीलिए बढ़ाया क्योंकि ये गांधी विरोधी थे, इसलिए बीजेपी इन दोनों को ज्यादा हाईलाइट करती, इससे कांग्रेस डिफेम होती। विचारधारा वाला कभी आए तो आप लोग इस रूप में लिख सकते। आलोचक तो थे खुद नेहरू भी आलोचक थे, बापू के आलोचक तो बहुत सारे थे, पर वो वापस फैन भी थे ना उनके, वो दरअसल वो व्यक्ति ऐसा था कि उसका कुछ कर नहीं सकते थे, बहुत जिद्दी था, उनके खुद के बच्चे, उनकी पत्नी उनके आलोचक थी, उनके बच्चे उनके आलोचक थे, उनका भतीजा मगन भाई वो उनका आलोचक था। आप पूरा पहला गिरमिटिया पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि उस आदमी ने किसी को खुश किया ही नहीं, सब नाराज थे उसे, गवर्नर जनरल वायस राय से लेके उसके करीबी तक कोई भी खुश नहीं था उसे, जो उसका अनुयायी बनता था वो भी नाराज रहता था उसे कि बापू ऐसा क्यों नहीं करते, हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं करते, वो करते ही नहीं थे। उसके बावजूद सबका चहेते थे और कोई उनकी बात को टाल नहीं सकता था, ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। उन्होंने ऐसी पोजिशन बना ली थी ना अपनी, बहुत ही खतरनाक हो, सत्याग्रह इसी को कहते हैं, सत्य के प्रति इतना तीव्र आग्रह कि उसको कोई ठुकरा ना सके, कोई मना ना कर सके, सत्य के प्रति इतना तीव्र आग्रह। पर उनका आग्रह सत्य के प्रति होता था, गांधी सत्य के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति थे और दूसरे लोग पतली गली निकालते थे तो मानते नहीं थे, जीते थे। इसलिए गांधी कई जगह पर अव्यावहारिक हो जाते हैं, ये प्रश्न आ सकता है कि गांधी कई जगह पर अव्यावहारिक हो जाते हैं, जैसे मैंने चरखे के मामले में कहा, टॉलस्टॉय फॉर्म और फिनिक्स फॉर्म की कहानी ऐसी ही है, फिनिक्स वाली कहानी पूरी ऐसी है। आपका इंडियन ओपिनियन जो है वो डरबन में छप रहा है और डरबन में छप रहा है और रोज निकल रहा है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे आज की तारीख मान लीजिए 3 दिसंबर है ना, आज वो वाला दिन है ना भोपाल गैसकांड वाला, तो ये 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को गांधी सुबह 11 बजे कह रहे हैं कि कल का अखबार फिनिक्स से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। ये वाली कहानी तो इतनी हिला देने वाली कहानी है गांधी की, यानी जिद की पराकाष्ठा है, इससे ज्यादा कल्मिनेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम, यानी इतनी जिद। तो गांधी बोलते हैं कि इंडियन ओपिनियन कल का फिनिक्स से निकलेगा, बोले फिनिक्स है कहाँ, बोले वो बनेगा आज, बोले फिनिक्स आज बनेगा, अभी 11 बज गए, कब बनेगा, और अखबार तो शायद रात को छापना पड़ता है, दूसरे दिन सुबह निकलता है, बोले डरबन लिखा रहता है ना इंडियन ओपिनियन के ऊपर, डरबन और फिर डेट लिखी रहती है न्यूज़पेपर में, आपको रजिस्टर कराते हैं तब जिस जगह से छप रहा है वहां का नाम और फिर कॉमा करके डेट लिखनी पड़ती है, ये नियम है अंग्रेजों का, वही भारत में आज भी चल रहा है, RNI रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज डरबन लिखा और कल फिनिक्स लिखा रहेगा? बोले हाँ ऐसा होगा। तो कैसे होगा? बोले यहां से 20 किलोमीटर दूर फिनिक्स है। तो फिनिक्स है क्या? बोले नहीं, फिनिक्स नाम मैंने अभी रखा है, वो कालीन बाग का खेत है। बोले कालीन बाग का खेत है? तो बोले मेरा दोस्त है कालीन बाग, वो अपना खेत हमको फार्म हाउस हमको दे रहा है, नदी के किनारे है, फलदार पौधे लगे हुए हैं, हमारी आवश्यकता, हम आत्मनिर्भर बने, गांधी का आत्मनिर्भर। अब मैं गांधी का आत्मनिर्भर बता रहा हूं आप, वो भी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी के लिए आत्मनिर्भर का क्या मतलब है? तो गांधी के लिए आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम सब सेल्फ रिलायंट होंगे। दरअसल मेरे से खर्चा नहीं भुगता जा रहा तुम सबका। अब तुम सब कम से कम 20 लोग हो गए, 20 लोगों का परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, और अखबार निकलता है। अब मैं तुम सबके लिए चंदा कहां से लाऊं? इतना चंदा नहीं है। और भारतीय व्यापारी जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं वो इतना चंदा दे नहीं रहे, खर्चा नहीं निकल रहा। तो बोले आपको ये सनक सूझी कैसे? बोले मैं अभी ब्रिटेन से आ रहा था, महारानी से मिलने गया था, तो ट्रेन में जब मैं लौट रहा था दक्षिण अफ्रीका, तो मैंने अनटू दिस लास्ट पढ़ी। किसकी किताब? रस्किन। तो रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट पढ़ी, तो रस्किन बोलते हैं कि प्राकृतिक हो जाओ, अगर खर्चा कम करना है तो प्रकृति की गोद में चले जाओ और प्राकृतिक हो जाओ। तो वो मेरे दिल को लग गई बात, अरे बापू आपने क्या पढ़ ली सुबह सुबह, मतलब अब ये प्राकृतिक हो जाओ। अब ये कौन, उसके जो रिश्तेदार थे ना, गांधी के भतीजे, भाई या भाई तो नहीं, मतलब जो बच्चे, और सबका दिमाग खराब हो जाता। बोला ये कोई किताब पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें से नया कुछ निकालेगा ये आदमी और हम सबके ऊपर थोपेगा भी। तो जब भी वो कुछ पढ़ते थे सब चक्कर में पड़ जाते, टेंशन में हो जाते थे। बोले आज कुछ ना कुछ नया फार्मूला निकलेगा और हम सबकी शामत आ जानी है, क्योंकि वो तो घोषणा कर देते और वो होके रहता था। वो किताब पढ़ के जब उतरे ट्रेन में से और उतर करके घर गए, तो बोले चलो जल्दी सामान समेटो, फिनिक्स चलना है। बोले फिनिक्स का नाम क्या, कहाँ से आया? बोले अभी मैंने रखा है ट्रेन में। और तुम ट्रेन से उतरे, नाम भी रख लिया, लेकिन वो बोले कालीन बाग बोल रहा था मेरा फार्म हाउस खाली है, आपको जब जरूरत हो तब ले लेना। तो गाड़ी में भरो, बैलगाड़ी टाइप घोड़ा गाड़ी थी, उसमें प्रेस रखी, प्रिंटिंग प्रेस, और सब लोगों को कहा अपने अपने सामान बांधो, कंधे पे लो, मेरे साथ चल चलो। तो दोपहर 2-3 बजे तक, 11 बजे निकले, 2-3 बजे तक कालीन बाग के फार्म हाउस पहुंच गए। बोले यहाँ एक नदी है पास में, इसमें सब नहाएंगे, स्नान का काम यहाँ हो जाया करेगा, पास में फलदार पौधे हैं थोड़े और लगा लेंगे, भोजन यहाँ से मिल जाया करेगा, चलो सब अपने अपने मकान बनाओ, कुटियाएं बनाओ, लकड़ी की खड़ी करो, जो जो भी रखा है, रात को सोना है तो सब, नहीं तो तंबू जैसा कुछ तान लो, कुछ करो, कल से मकान बनाने शुरू होंगे यहाँ पे, मतलब निर्माण कार्य करेंगे। तो निर्माण कार्य दूसरे दिन से शुरू होगा। तो बोले आज क्या करेंगे? बोले आज अखबार निकालेंगे, फिर यहाँ, फिर प्रिंटिंग प्रेस जमाई गई, उसको टिक किया गया, सेट किया गया। अब प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गई, इंजीनियर बुलाया, तो इंजीनियर वहां पे डरबन लेने गए इंजीनियर, फिर डरबन से फिर इंजीनियर आया रात को 8 बजे, फिर उसने देखा मशीन लालटेन में, और उसमें मोमबत्ती और ये सब होता था, बिजली कहाँ थी? तो जो डीजल से चलने वाला इंजन था वो डीजल से चलता था, डीजल डाल के इंजन चलवाया, चला नहीं। इंजीनियर ने फिर देखा, इंजीनियर का वाकई मीनिंग वही निकल के आता है इंजन के पास में, इंजन चलाने वाला इंजीनियर। तो इंजीनियर फेल हो गया, 2 बजे 3 बजे 4 बजे गांधी की जितने का अखबार निकलेगा तो यहाँ से, उसने कहा बोला हाथ से छापो, हाथ से मशीन घुमाओ। तो जो इंजन घुमाता था उसके बजाय हाथ से मशीन घुमा के अखबार छापना शुरू किया, 4-5 अखबार छपे होंगे, लोग थक गए, बोले हाथ से तो घुमा के अखबार नहीं छापा जा सकता। तो गांधी एक बार और इंजीनियर को उठाने गया रात को 4-5 बजे, उन्होंने कहा इंजीनियर साहब देख लो एक बार और कोशिश करो। तो कितने जिद्दी आदमी हो यार तुम, इंजन चल नहीं रहा, तुम्हारा मशीन खराब है। बोले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार और देख लो, क्योंकि हाथ से हो नहीं रहा वो। तो फिर इंजीनियर आया और उसने इंजन चालू किया तो चल गया।
सब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अखबार छप गया। दूसरे दिन जब लोगों के पास अखबार पहुंचा तो उसमें फिनिक्स लिखा हुआ था। ये था गांधी का जादू, ठीक है। तो आज भी फिनिक्स आश्रम घूमने जाता, जो भी साउथ अफ्रीका जाता है फिनिक्स जरूर जाता है, चाहे हमारी क्रिकेट टीम हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, सिनेमा स्टार हो, फिल्म की शूटिंग के लिए जाने वाले लोग हो, टूरिस्ट हो, फिनिक्स की यात्रा के बिना साउथ अफ्रीका की यात्रा पूरी नहीं होती। ये वही फिनिक्स है, कालिनबाग का फार्म हाउस, ठीक है, जो डोनेशन में मिला था किसको, गांधी को, हाँ टॉलस्टॉय को, यस हाँ टॉलस्टॉय फार्म बाद का है, पहला फिनिक्स था, फिर बाद में टॉलस्टॉय बनाया। ये थे का उसकी जिद के आगे, आप पढ़ोगे गांधी को तो कहोगे क्या जिद है आदमी, वो जो ठानता था वो कर लेता था, उसको करना जो धुन उसके ऊपर सवार हो गई मुझे ये करना है मतलब कर डालता था। सब लोगों को मिलकर करना पड़ता था, उसकी इच्छा को पूरी करनी पड़ती थी। इसीलिए तो पुणे पैक्ट में अंबेडकर बोलते हैं ये बहुत गंदी चीज है बापू, आपसे ज्यादा हिंसक कोई नहीं हो सकता, आप किसी की इच्छा का सम्मान नहीं करते, सिर्फ अपनी इच्छा चलाते हैं, आपके मन की करते हैं। कई लोगों को अपने जाति को, अपने समाज को, अपने परिवार को दांव पे लगाना पड़ता है। मुझे दलितों का पूरा भविष्य दांव पे लगाना पड़ा आपकी जिद के आगे, और उन सबको हिंदू बनाना पड़ा। हम कोई हिंदू नहीं बनना चाहते और हिंदू समाज में भी नहीं रहना चाहते, लेकिन आपके सामने झुकना पड़ता है। ये इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है, आप अपने आप को अहिंसक बोलते हो। अम्बेडकर बोलते थे आपसे ज्यादा हिंसक कोई नहीं है, आप जितने वायलेंट है उतना कोई नहीं हो सकता, आप सिर्फ भूखे मरते हो और वो करा लेते हो जो कई लोग नहीं करा सकते, बड़े बड़े तानाशाह नहीं करा सकते, नरसंहार करके मैसेकर करके जो काम नहीं हो सकता वो आप कर लेते हो। ये जलियांवाला बाग से भी खतरनाक, जनरल डायर से भी खतरनाक हो तुम। अब आया समझ में गांधी, ये है गांधी। तो गांधी को पढ़ोगे तो उसको उसके उस लेवल को समझोगे तो समझ में आएगा गांधी क्या। ऐसे तो फिर आप बाहर बाहर से तो कहोगे कुटे थे बस वो ऐसे थे और आंदोलन करते रहते थे, और अहिंसा से क्या होता है, गोलियां चलाने से ज्यादा खतरनाक है वो, बम फोड़ने से ज्यादा खतरनाक है, फांसी पे चढ़ने से ज्यादा खतरनाक है। अपनी चीज मनवा लेना। राकेश टिकैत ने अगर गांधी के बजाय भगत सिंह को फॉलो किया होता तो निपटा देते मोदी जी, उसने किसको फॉलो कर लिया, गांधी। मुन्ना भाई वाली मूवी देखी ना आपने, गांधी से क्या क्या हो जाता है, फूल दे दे के लोगों को क्या कर देता है। आपने उस मूवी में वो भ्रष्टाचार वाला सीन देखा ना, एक आदमी कपड़े खोलने लगता है, है? देखा ना वो बोलता है इसको पैसे चाहिए, ये ले तू पैसे, अब मेरा सब कुछ ले लेते। अब ऐसे में तो दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा आप ही चिल्लाने लग जाओ। गांधीवादी तरीका बहुत खतरनाक है, कोई आपसे जैसे ही 50,000 रुपए मांगे किसी ऑफिस में, आप बोले कितने चाहिए, जोर से बोलो, आप भी जोर से बोलो 50,000 चाहिए, मतलब तुम 50,000 से बिल्कुल कम नहीं लोगे, ऐसा यूं जोर जोर से चिल्लाने लग जाओ। तो इतने में तो वो आपका काम कर देगा, उसकी फाइल निकालो यार, कहाँ है इसको भगाओ, लाओ मैं सिग्नेचर करता हूँ। तो बहुत खतरनाक तरीका होता है ना, यही तो है गांधीवादी तरीका, सत्य है, सत्य में क्या डरना। वो तो आप कुछ गलत काम करवाना चाहते हो तो टेबल के नीचे से दोगे, अदरवाइज तो देने की जरूरत ही नहीं। सही काम में क्या करना है, सही काम में तो आप चिल्ला सकते हो, आपके मन में चोर होता है इसीलिए तो आप चिल्ला नहीं पाते हो। गांधी बोलता है सत्य बात के लिए चिल्लाओ, पर हमारे यहाँ क्या होता है कि इंडिया के जो नागरिक है वो डुप्लीकेट है, खुद भी चोर है तो उसको चोर कैसे बोलेंगे। आप गलत काम करवाने पहुंचे हो तो चिल्लाओगे कैसे, अधिकारी भी चोर तुम भी चोर, गांधी कैसे बन सकते हो। अदरवाइज तो गांधी तो सॉलिड है, गांधी तो काम करता है, फिर आपको गांधी जी से काम कराना पड़ता है। गांधी के जब काम नहीं करता तो गांधी जी से कराना पड़ता, यानी पैसे देना पड़ता, अदरवाइज तो चिल्ला के करा सकते, बहुत आसान होता है। हम लोगों ने करा, मैंने कहा ना 20,000 लोगों की हमने समस्याएं सुलझाई तो गांधी तरीके से सुलझाई, चिल्लाते थे, हमको मालूम है सामने वाला भ्रष्ट है, हम वैसे ही लिख देते थे कि इसने पैसे मांगे। मैं तो काम कराता था
कलेक्टर के पास सब लोग जाते थे, काम होता नहीं था, क्योंकि कलेक्टर को पैसे चाहिए। उसको कौन देता है? पटवारी, तहसीलदार। पटवारी देता तहसीलदार को, तहसीलदार देता एसडीएम को, एसडीएम देता कलेक्टर को। ये सीरीज है। कभी कभी एसडीएम को बाईपास भी कर देते हैं, तहसीलदार सीधे ही कलेक्टर को दे देता है। वो डिपेंड करता है ट्यूनिंग कैसी है। तो तहसीलदार की शिकायत कलेक्टर के पास जाती है तो कलेक्टर सुनता नहीं उसकी शिकायत को। इसलिए नहीं सुनता क्योंकि भाई वहीं से तो पैसा आ रहा है, हर महीने पैसा वो इसी बात का तो देता है क्योंकि संरक्षण मिला हुआ है। और हम क्या करते थे, हमारा काम करने का तरीका था, चार पांच बच्चे जो बिठाए हुए थे हमने टाइप करने वाले, संडे के दिन भीड़ लगती थी हमारे यहाँ लोग आते थे समस्या लेके, हम उनकी समस्या सीधी टाइप करते थे। तो मुझसे वो पूछता था लड़का कि सर क्या टाइप करूं, शुरू में पूछता था, बाद में तो वही टाइप कर देता, उसको पता चल गया क्या टाइप करना है। वो सारे लड़के नौकरी में अभी, तो उनको बहुत मजा आता है, उनका हैप्पी न्यू ईयर पे, मेरे बर्थडे पर या ऐसा ऐसे मैसेज आते हैं, खासकर दिवाली पे ऐसे मैसेज आते हैं और वो प्रणाम भी बोलते हैं, बात भी करना चाहते हैं मेरे से। सारे बच्चे नौकरी में, सर हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके टाइम पे बहुत सीखा। वो मेरे यहाँ टाइपिस्ट का काम करते थे, बच्चे ही थे क्लास में पढ़ने वाले, हम उनको बुला लेते भाई संडे को लोग आएंगे समस्याएं लेके, भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी, तुम सब वॉलंटियर के तौर पर आ जाना, जिस जिसको टाइपिंग आती है तो वो आ जाते थे। और हम आवेदन लेते थे लोगों का, हमारे पिताजी वहां गेट पे बैठते थे और डायरी में नाम नोट करते थे, एंट्री करते थे एक एक आदमी की, हमारा बच्चा जो यहाँ अभी है नहीं आज वो गया कहीं वो, और ये सब घर पे चाय पानी की और उनके सबके पानी और चाय पानी की व्यवस्था करते थे जो जो लोग आते थे। तो दिन भर हमारे यहाँ चाय बनती रहती थी, दिन भर पानी का काम चलता रहता था, पानी और चाय सप्लाई होता रहता था लोगों को, यही धंधा था। कोचिंग से कमाते थे और ये काम करते थे संडे के दिन। भोपाल से मैं जाता ही इसलिए था, केवल जनसुनवाई करने के लिए जाता था, केवल लोग आएंगे उनकी बातें सुनना है और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम लोग को जैसे ही कोई कहता सर ये हमारा खेत का सीमांकन नहीं कर रहा, ये हमारा ये नहीं कर रहा, पटवारी ये काम नहीं कर रहा, तहसीलदार ये काम नहीं कर रहा, अधिकांश तो तहसील ये पुलिस और यही समस्याएं होती थी, हम सीधा लिख देते थे कि इन्होंने 20,000 रुपए मांगे, तहसीलदार ने 50,000 रुपए मांगे ये, और मुख्यमंत्री को शिकायत या चीफ सेक्रेटरी को शिकायत और सारे मंत्रालय में शिकायतें, ये बहुत सारे मेल मार दिया, ऑनलाइन शिकायत। तो वो लैंग्वेज पढ़ करके वो समझ जाते थे कलेक्टर के वहां ऑफिस वाले, और वो कलेक्टर को फिर फॉरवर्ड होती थी, तो उनको मालूम है कि ये ऐसी लैंग्वेज कौन लिखता है, सीधा आरोप कौन लगाता है 50,000 का और 20,000 का। बोलो मेघवाल जी लगाते हैं, पुलिस काम को करो, नहीं तो आरोप तो लग ही गया, वो सिद्ध हो जाएगा फिर। तो तुरंत एक सप्ताह के अंदर काम हो जाता था उस आदमी का, एक सप्ताह में ही काम हो जाता। और पहले जब वो एक साल से चक्कर काट रहा कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, उसका काम नहीं हो रहा, तो उसको जादू टाइप लगता था, बोले कलेक्टर एसपी के यहाँ गए काम नहीं हुआ, सर के यहाँ इन्होंने पता नहीं क्या लिखा, एकदम से काम हो गया, तो उनको जादू लगता था, जबकि वो जादू नहीं था, सीधा आरोप था। क्योंकि तुम चोर तो हो ही, इनसे नहीं मांगे दूसरे से मांगते होंगे, तो चोर को चोर के नाम में क्या डर है, और तुम मेरा खराब क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे, हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम तो कुछ भी, हम तो प्राइवेट आदमी, हमने तो नौकरी छोड़ी हुई है, प्राइवेट आदमी। इसलिए मैं कहता हूँ प्राइवेट आदमी जो स्वतंत्र नागरिक है उससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको नॉलेज है। नौकरी पे आप पावरफुल नहीं हो, आपको लगता है आप डीएम हो और आपके पास बहुत पावर है, आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। अगर आप आम आदमी हो और भीड़ में हो और नॉलेज बहुत है तो आपसे पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। नॉलेज चाहिए, ज्ञान, लिटरेसी, इसलिए लिटरेसी और अवेयरनेस बहुत जरूरी। सिर्फ लिटरेसी और अवेयरनेस है, कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं जनसेवा करने के लिए। ये फोर्थ पेपर का है, फोर्थ पेपर में आंसर ऐसे ही बनेंगे, यही तो है नौकरशाही में काम कराना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन फ्री कैसे बनाओगे, ये तरीका। शिकायत प्रकोष्ठ, रिवांस पोर्टल, ऑनलाइन शिकायतें,
इजी टू एक्सेस पब्लिक सर्विसेज, यही सब तो एग्जांपल है। ट्रांसपेरेंसी हो, रेड टेपिज्म कम हो, फाइलें ट्रांसपेरेंट हो, सिटीजन चार्टर हो, समय सीमा निर्धारित हो किसी भी काम की, कि ये काम 15 दिन में हो ही जाएगा ताकि वो चक्कर ना दे सके, करप्शन उसी से तो फैलता है। अगर ये निर्धारित हो किसी भी काम का, ये काम 15 दिन में जवाबदेही से होना ही चाहिए, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं उसको, यस हाँ, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम क्या है, कौन सी गारंटी, नहीं नहीं शिकायत तुम्हारा, बताओ बताओ जयप्रकाश, जाके लिखोगे ना अभी, तो एक साथ इतनी सारी चीजें पढ़ा तो रहा हूँ, लिखोगे क्या फिर? सर लोक सेवा गारंटी अभी, यस लोक सेवा गारंटी, उसको बोलेंगे लोक सेवा गारंटी अधिनियम, मध्य प्रदेश सरकार ने कर रखा है ना, हाँ नहीं पब्लिक ग्रीवांस एक्ट नहीं बोलेंगे वो अलग, लोक शिकायत वाला अलग है, वाह डेफिनेटली, हाँ सर आ गया था उसमें 101, हाँ, आ गया था, ओके 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 ठीक है। तो ये सब आप, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये जो केस स्टडी हो गया, मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व की इतने लोगों की, ये सब केस स्टडी हो गया, और उसके अंदर से आपको फिर आंसर निकालना है, तो वहीं से पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये ऐसे होता है, जबकि ये कितनी दुर्लभ चीज है, और आप देखो किसी आदमी ने 30 साल सरकारी नौकरी कर ली, 35 साल, और अब वो बहुत परेशान है छोटी सी चीज के लिए, और घूम रहा है कागज लेकर के यहाँ से वहां, इस वकील के यहाँ, इसके यहाँ टाइप करा रहा है आवेदन, वहां परेशान है, ये है। तो दरअसल है ना, नौकरियां करने से, कई लोग बोलते हैं हमने बाल सफेद धूप में थोड़ी किए हैं, ऐसे थोड़ी हमारे पास इतना अनुभव है, तो तुम काम करा के बताओ ना अपना, यहाँ घूम क्यों रहे हो, और वकील की जरूरत क्यों पड़ रही है, और ये टाइप तुम ही कर लो ना घर पे, एप्लीकेशन दूसरे से क्यों लिखवा रहे हो, ऐसा नहीं होता। दरअसल क्या होता है कि जब आपको ज्ञान आता है तो इस रूप में आता है, ताकत के रूप में आता है, उसके बाद ज्ञान आपको ताकतवर बनाता है, शिक्षा आपको ताकतवर बनाती है। तो अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो दहाड़ेगा कैसे, ऐसे तो दहाड़ेगा, शिक्षा श्रेणी का दूध है, मतलब जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो जो पिएगा वो दहाड़े, इसका मतलब आपने शिक्षा हासिल नहीं किया, भाड़ जो की भाड़, वो शिक्षा नहीं है जो आपको डरपोक बनाती हो, चक्कर खिलाती हो, डराती हो, कोई आपके ऊपर हावी हो जाता हो, आपको कोई ब्लैकमेल करता हो, आपसे पैसे मांगता हो, इसका मतलब आप शिक्षित हो ही नहीं, आप लिटरेट ही नहीं हो, एजुकेटेड हो ही नहीं, एजुकेटेड होते तो किसी की हिम्मत है आपसे पैसे मांग ले, एजुकेटेड हो तो आपको कोई चक्कर कटा दे, आपका काम समय पे ना करे, किसी टेबल पे कोई उठ के चला गया, आपका नंबर आया और उठ के चला गया, आप वहां कागज लेके खड़े हो, जोर से चिल्लाओ, अरे कौन बैठा है यहाँ, कौन सी पोस्ट है ये, वो कौन सस्पेंड करता है इसको, क्या नाम है इसका, जोर से चिल्लाओ, इसको सस्पेंड कराना है, कौन है ये, बोले साहब यहाँ प्रजापति जी बैठते हैं, ये वो, क्या पोस्ट है उसकी, सस्पेंड कौन करता है उसको, साला बैठता क्यों नहीं इस पर, यहाँ खड़े रहेंगे हम, ऐसे चिल्लाओ हिल जाएगा पूरा पूरा वो प्रजापति, जहां कहीं होगा उसको ढूंढ के लाएगा, बोला तुम मर जाएगा आज, आज पता नहीं कौन आया ये सरकारी सेवा है ना, तनख्वाह मिल रही है उसको, जनता हम टैक्स दे रहे हैं उससे तुमको तनख्वाह मिलती है, तुम कोई ऑफिसर हो, ऑफिसर किस बात के, तुम्हारे घर पे होंगे ऑफिसर,
यहाँ तुम जनता के नौकर हो, पुलिस वाले को थाने में कोई बोल सकता है ऐसे? बोलना चाहिए पर नहीं बोल पाते, क्योंकि सब मिलके मारेंगे केस बना देंगे कोई, लेकिन ऐसे कैसे केस बना देंगे? सोशल मीडिया में लिखो इनका, आकर के फेसबुक में डाल दो, थाना सस्पेंड हो जाएगा, डाल दो फिर फेसबुक पे आके हेकड़ी मार रहे थे, थाना सस्पेंड पूरा पूरा, हमने तो देखा है चमत्कार। पर ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा कि एक तो आपकी बात सच हो, एक चीज आप खुद सत्य पे हो, दूसरी चीज आपका आवेदन जायज हो, एक चीज, एक तो खुद में कोई खराबी ना हो, और दूसरी चीज कि आपको अधिकार पता हो, उसके कार्य कार्य भी पता हो, नहीं तो गलत आदमी को टारगेट करोगे फिर दिक्कत आ जाएगी। जिस टेबल पे गए ये उसी का काम था, ये आपको पता होना चाहिए, तो ऑफिस मैनेजमेंट भी आपको पता होना चाहिए, तो नॉलेज पूरा यदि आपको होगा तो फिर आप साहसी बन जाओगे। कुछ भी नहीं रखा फिर, मुझे यूएस में नहीं लगता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इंडिया में ये चीज प्रैक्टिस करता हूँ, तो यूएस में नहीं, मुझे नहीं लगता था मेरे सामने कोई गड़बड़ नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं उसमें खड़ा हो जाता, जबकि मैं तो दूसरे देश में हूँ, वहां सारे लोग मिलके मुझे मार सकते हैं पीट सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम था कि ये जेन्युइन चीज, ये तो मानवाधिकार है, ये तो ये है, ये तो किसी भी देश में रहेंगे, तो जो जागरूक होते हैं, इसलिए मैंने कहा ना वो दिल्ली में बहुत लोग जागरूक है, मुंबई में बहुत जागरूक है, यूएस में बहुत जागरूक है, तो वो दूसरों को भी न्याय दिलाते हैं, उनकी उपस्थिति में अन्याय होने ही नहीं देते, उनकी उपस्थिति में आप अन्याय नहीं कर सकते, वो आपके लिए लड़ जाएंगे, तो जागरूक लोगों के बीच में रहने से ये फायदा है, इसलिए केजरीवाल दिल्ली में सक्सेस है, क्योंकि वहां के लोग वैसे हैं। केजरीवाल भोपाल में हार जाएगा, भोपाल में आईक्यू नहीं, अवेयरनेस नहीं, तो जहां लोगों में अवेयरनेस है वहां केजरीवाल जीत जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा, फोर्थ पेपर, ये सब यही तो है गांधीवाद, गांधी या स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श यही थे, ऐसे ही भारत तो बनाना चाह रहे थे, तो फिर देखो आप भारत, अगर सारे लोग पढ़े लिख जाएं और सारे लोग अवेयर हो जाएं, उसके बाद भारत देखो आप कितना शानदार भारत होगा, फिर कोई किसी के साथ अन्याय कर पाएगा क्या? अभी अन्याय क्यों कर लेते हैं, किसी को भी किसी चलते रास्ते किसी लड़के को छेड़ने की हिम्मत क्यों हो जाती है? उसको मालूम है इसको कोई नहीं बचाएगा, छेड़ने वाले को पक्का विश्वास है कि इस लड़के के फेवर में बोलने वाला कोई नहीं है, पक्का विषय, मतलब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो वो हिम्मत कर लेता है। अगर उसको लगे कि जूते पड़ेंगे, अब भी पकड़ाया मैं, अभी जूते पड़े, और अगर मैंने ये किया तो मेरा हश्र बहुत बुरा होने वाला है, कोई करेगा ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आपको अलग से मेंटेन ही नहीं करना, अपने आप हो जाएगा, सोशल कंट्रोल, उससे सोशल कंट्रोल आता है, लोग क्या कहेंगे, लोग जूते मारेंगे, लोग मना कर देंगे, अभी कोई लाइन तोड़ करके आगे घुस जाता है और हेकड़ी वाला है और अच्छा अच्छा बॉडी वॉडी बनाया हुआ है तो कोई नहीं बोलता उसे, सब डरते हैं उससे, और 50 लोग बोले हे भैया तेरी हेकड़ी सारी निकल जाएगी, लाइन में लग जाती, पीछा चल चल पीछे, तो एक आदमी ने मास्क निकाल करके रोड पे ऐसे साइड में फेंक दिया, मैं जिम से आ रहा था उधर से, उसने, मैंने भी देखा उसको, पर मेरे से आगे जो गाड़ी जा रही थी उससे भी आगे वाली गाड़ी में वो था, उसने मास्क जैसे ही ऐसे फेंका, तो मेरे से जो आगे गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी वाले ने तेज की गाड़ी और उसके आगे लगा के और उसको बोला ये तुमने अभी क्या किया, तुम डस्टबिन छोटा डस्टबिन अपनी कार में क्यों नहीं रखते, तुमने अभी मास्क क्यों फेंका रोड पे, कोरोना चल रहा है ना, मास्क इस तरह से साइड में फेंकते हैं क्या? मैं उसके पीछे था तो उसने गन निकाल दी, उसके पास गन थी गाड़ी, फिर मैंने पुलिस को बुलाया और उसको अरेस्ट करवाया, बाकी वो उसको गोली मार देता ऐसे टोकने पे, तो ऐसे अवेयरनेस महंगी भी पड़ जाती है
ये घटना तो मेरे सामने की है तो मैंने एक्शन लिया, बाकी वो घबरा गया था, पसीना पसीना हो गया था उसको, हार्ट में पेन भी शुरू हो गया था उसको, बहुत दिक्कत आ गई थी। बोले मुझे नहीं पता था कि इसके पास गन है, मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा पर आपको तैयार रहना चाहिए फिर उसके लिए भी, जब आप ऐसी सेवा करने जाओ तो ये भी हो सकता है, जो मास्क निकाल के फेंक रहा है साइड में उसके पास गन हो सकती है, बताओ। फिर उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई, उस पर क्या धाराएं लगाएंगे क्या करेंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन एक बता रहा हूं, ये ऐसी चीजें हो जाती है। तो आपको उस हद तक तो भारत में अभी ये सब चीजें करना, भोपाल में करना, मतलब इतना आसान नहीं है कि आप सुव्यवस्था स्थापित कर दो, पब्लिक अवेयर हो जाए या ऐसा हो जाए तो ये चीजें हो जाए। यूएस में भी हो जाता है, यूएस में भी गन निकाल लेते हैं, वहां तो गोलीबारी बहुत आम बात है, वहां तो आम लोगों के पास गन होती है और हथियार वहां बहुत आसानी से मिलते हैं, लाइसेंस वहां तो पब्लिक के, हमारे यहाँ तो लाइसेंस बहुत कठिन काम है, कलेक्टर देता है, इंटरव्यू लेता है, बहुत सोच समझ के लेता है, वहां तो गन ऐसे ही मिल जाते यूएस में। तो फिर पब्लिक अवेयरनेस का क्या होगा, फिर इस तरह से स्थापित करने के लिए कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ लाना है तो कैसे होगा, बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ हथियार के स्वतंत्रता, हथियार रखने की स्वतंत्रता है, एक तरफ फिर इसलिए अपराध बहुत ज्यादा है, क्राइम बहुत ज्यादा है, कोई बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी नॉलेज, नॉलेज की डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, कानून का ज्ञान जितना ज्यादा होगा, अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी, और फिर ये ज्यादा लोगों की होगी तो फिर कितने लोगों को गोली मारेगा वो। अभी एक आदमी को अवेयरनेस थी, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, वो सही सही शिक्षा दे रहा था उसको, लेकिन उसके बावजूद दिक्कत है। ये एक मैं केस स्टडी बताया आपको, ठीक है? तो फोर्थ पेपर के हिसाब से इन सब पे, और ये स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ोगे तो आदर्श तो वहीं से निकल कर क्या है। अब गांधी कितना मानता, हम अपने देश में अपनी सरकार के रहते हुए स्वतंत्र और अपने संविधान के रहते हुए आज कुछ नहीं कर पाते हैं। गांधी ने विदेशी सरकार में विदेशी कानून के तहत विदेशियों के खिलाफ कर दी, उन्हीं की सरकार के खिलाफ कर दी, इसलिए गांधी कितने महान है। अब अंदाज समझ में आ रहा है आप, आज की तारीख में आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करवा सकते अगर आप ईमानदार हो, आज की तारीख में आप सुव्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते आपको नॉलेज हो तो भी, कितनी दिक्कत है। गांधी ने उस जमाने में कर दिया, वो भी विदेशी सरकार, विदेशी सत्ता, विदेशी पुलिस के सामने, दूसरे की पुलिस, दूसरे का कानून, दूसरे की सत्ता, और उस आदमी ने किया, इसलिए बहुत बड़ी चीज। अब एहसास हो जाएगा, राकेश टिकैत ने अभी जो कानून बनवाया वो अपनी सरकार, अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ, गांधी का विदेशी सरकार, और उसका अत्याचार का अपना एक रिकॉर्ड है, जलियांवाला बाग का, 1857 का एक रिकॉर्ड है उसके नाम, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, और वो हिंसक हिस्ट्री और खतरनाक हिस्ट्री है, उससे आप उसके खूंखारपन का अंदाजा लगा सकते हो, कितने खूंखार थे अंग्रेज, उसके सामने वो झुकता नहीं था और डरता नहीं था, तो कितना निडर होगा वो गांधी, इसलिए तो कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, इसलिए क्रेडिट जाता है उस आदमी, ठीक है। गांधी पे तो अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा, स्वतंत्रता संघर्ष का ये भी एक एंगल है, ये भी एक दृष्टिकोण है, ये सब आप नहीं सुनोगे और इस लेवल पे नहीं देखोगे तो आपको आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए वो क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता जो गांधी को जाता है। गांधी समग्रता में एंटायर है, बाकी सब लोग सेगमेंटेड है, अंबेडकर को भी देखोगे तो एक सेगमेंट को लेके चल रहे हैं, क्रांतिकारियों को देखोगे तो उनका एक रीजनल रिप्रेजेंटेशन, बाल गंगाधर तिलक को देखोगे तो स्वराज वाले मुद्दे पे, जब बाकी ऑल्टरनेट नहीं है, गांधी हर चीज में, गांधी शिक्षा की बात भी करता है, गांधी रोजगार की बात भी करता है, गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी करता है, गांधी रूरल वर्सेस अर्बन वाली बात भी करता है, गांधी अनटचेबिलिटी की बात भी करता है, यानी कि वो दलित्स की और ट्राइब्स की बात भी करता है,
गांधी मास मूवमेंट का लीडरशिप भी देता है, तो गांधी कांग्रेस में भी है, तो गांधी लॉयर भी है, तो गांधी सोशल वर्कर भी है, तो क्या नहीं है, कौन सा फील्ड ऐसा है। और गांधी खुद जलता जेल जाता है, लोगों को नहीं भेजता, खुद जेल जाता है। तो आप उसको देखोगे तो गांधी एंटा पूरा बहुत बड़ा वर्ग, बहुत अच्छे से व्यापक तौर पे काम करते हैं। गांधी किसानों के बीच भी जाते हैं, मजदूरों के बीच भी जाते हैं, बच्चों के बीच भी जाते हैं, पूरा इंडिया भी घुमा हुआ है। नरमपंथी गरमपंथी सब तरह के लीडर्स से मिलते हैं, अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात करते हैं, भारतीयों से हिंदी में बात करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, समाचार पत्र भी निकालते हैं। बाकी सब लोगों का है ना एक सेक्टोरल है, एक छोटा छोटा क्षेत्र रिप्रेजेंट करते हैं। गांधी सब कुछ करते हैं, सब कुछ, जो कुछ भी एक लीडर में हो सकता है, बेस्ट क्वालिटी हो सकती है, और सारे प्रभावी तरीके से करते हैं। कहीं पे भी गांधी में कच्चापन नहीं दिखता। जब वो सत्याग्रही के रूप में काम करते हैं तब भी कच्चापन, अहिंसक आंदोलन के तौर पे करते हैं तो पूरी तरह से अहिंसक होते हैं, परफेक्शन है उसमें, परफेक्शन दिखता है उसमें, परफेक्ट तरीके से करते। गांधी धर्म भी नहीं छोड़ते, धार्मिक भी उनके बराबर कोई नहीं, और उनके बराबर सेक्युलर भी कोई नहीं। हिंदू कट्टर है, हिंदू धर्म कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं बोलते कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा या मैं धार्मिक उपासना छोड़ दूंगा। बोले वो मेरा निजी काम है, मेरी अंतरात्मा कहते कि मैं हिंदू हूं और भगवान को मानना है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, और रोज प्रार्थना करता हूँ, सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, सुबह शाम मंदिर जाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ और भजन करता हूँ, ये मेरा काम है, और मैं हिंदू हूं और मैं इसका त्याग कभी नहीं करूंगा। तो कभी नहीं करते, विदेशों में भी नहीं करते, इंग्लैंड में भी नहीं करते, दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं करते। तो उनसे बड़ा धार्मिक भी कोई नहीं हो सकता, यहां तक कि मुसलमानों से भी रघुपति राघव राजा राम बुलवा देते हैं, उसके बावजूद भी वो कट्टर हिंदू नहीं है, वो सेक्युलर है। यानी मुसलमानों से रघु राम का नाम लिवा लिया तो भी वो कट्टर हिंदू नहीं है, क्या है, सेक्युलर, क्योंकि वो बोलते हैं मैं तुम्हें नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, तुम नमाज पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये है, ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष में से गांधी को आप माइनस नहीं कर सकते, इसलिए उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता था। और उनको अगर मना लिया अंग्रेजों के लिए, अगर उनको उनको मना लिया तो फिर सब कुछ अंग्रेज सब कुछ कर सकते, अगर वो मान गए। और गांधी की एक और खासियत है, सत्य तो है, अहिंसा भी है, सत्याग्रह भी है, ये सारी विशेषता है। गांधी एक और चीज है कि वो विश्वास बहुत गजब का करते हैं, ट्रस्ट। गांधी किसी पे अविश्वास करते ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खासियत थी गांधी की, पता है। गांधी से कोई झूठ भी कह रहा है तो भी उसको वो मानते हैं कि ये सही कह रहा है, कि कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। ये कितनी खतरनाक बात है, ऐसे आदमी से झूठ बोलने में ही डर लग जाएगा आपको, जो झूठ को भी सच मानता हो। आप लोग अगर आपके घर में कोई ऐसा हो कि जो आप जो कहोगे उसको वो सच मान लेगा, मैं बता रहा हूं उसको झूठ बोलने में आपको बहुत दिक्कत आई। चालाक आदमी आपके घर में है उससे आप झूठ बोल जाओ आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो खुद भी झूठ बोलता है और वो दूसरे को भी झूठा ही मानता है, चाहे आप सच बोलो आप उसके सामने झूठ बोल जाओगे क्योंकि आप परवाह नहीं करोगे। लेकिन कोई इतना नाजुक है और इतना भोला है कि आपकी बात को सच मानता है, आप उससे झूठ बोलते ना आप चैन से रह नहीं सकते, आपको नींद ही नहीं आएगी, आपको खाना ही अच्छा नहीं लगेगा, जब तक कि उसको जाके बता नहीं दो कि मैंने आपसे झूठ बोला, तब तक आप चैन से रह नहीं सकते।
है ना खतरनाक, अंतरात्मा से खेलते थे गांधी जी, आदमी की अंतरात्मा से खेलते थे, खुद भी सच बोलते थे और सच की अपेक्षा रखते थे, और आप बोल रहे हो तो उसको सच मानते। इसलिए जनरल स्मट ने कहा कि मैं कानून वापस ले लूंगा, तुम अपनी हड़ताल खत्म कर दो, तो उन्होंने कहा चलो भाई चलो, जनरल स्मट ने कह दिया है और अब आंदोलन खत्म। हम मोदी क्योंकि झूठ बोलते हैं, तो उसने कहा बोले आंदोलन वांदोलन खत्म नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, पहले संसद में खत्म है, मोदी जी ने कह दिया तो क्या होता है, मोदी जी का हमको विश्वास नहीं है। जनरल इसने टिकेट ने तो बोली दिया ना, यहाँ हमारे नेता ऐसी इज्जत है, टीवी पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री और बोल रहे हैं, तो ये टिकेट किसानों के नेता है, उन्होंने कह दिया कि ऐसे बोलने से क्या होता है, तो कई बार बोलते रहते हैं दिन भर, तो कई बार झूठ भी बोला टीवी पर, चुनाव में तो बोलते ही रहते हैं, रिकॉर्ड है झूठ बोलते, इनका क्या विश्वास कर। लेकिन जनरल स्पट ने कह दिया तो गांधी पर एक और चीज, अगर गांधी को लगेगा कि तुमने झूठ बोला है और वादा खिलाफी की है, गांधी बिल्कुल सहन नहीं करते, दुगने उत्साह से चढ़ते हैं फिर उसके ऊपर, और अपने लोगों को फिर उकसाते भी हैं, ये आदमी झूठा वादा करता है, ये वादा खिलाफी से इतना भयंकर गुस्सा है गांधी, फिर गांधी हिंसक तो नहीं होते लेकिन गुस्सा बहुत आता गांधी, क्रोध बहुत आता, फिर वो क्रोधी गांधी है ना, संभलता नहीं किसी से, बिल्कुल इसी पे आया था, बिल्कुल गांधी बोलते हैं कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, ये बात मानते नहीं है, ये बात करके मुकर जाते हैं, अब कुछ नहीं, अब डू और डाई होगा, अब चाहे हिंसक भी हो जाए, वो हिंसा तक को स्वीकार कर लेते हैं, फिर बहुत उनको है ना वादा खिलाफी से बहुत गुस्सा, हम तुम्हारा विश्वास कर रहे, तुम जो बोल रहे हो उस पर विश्वास कर, हमको हमको विश्वास है तुम, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो फिर निपटा दे। तो गांधी ये बहुत बहुत खतरनाक चीज, इसलिए जो ये डॉन होते हैं, माफिया होते हैं फिल्मों में आप देखते हो, गजब का विश्वास करते हैं अपने लोगों, लेकिन अगर वो बात झूठ निकली तो सीधे गोली मारते, तो उनसे कोई झूठ नहीं बोलता, डॉन से कोई झूठ नहीं बोलता, तो गांधी एक डॉन हो जाते हैं इस टाइप से, आए समझ में, तो आप कहोगे डॉन तो हिंसक होता है, यही तो है अहिंसा, इसी को तो कहते हैं, कई लोग समझते नहीं है गांधी को कि एक गाल आगे कर दो, ये एक गाल आगे करने का मतलब ये नहीं है, मतलब एक बार तुमने थप्पड़ मार दिया और हमने दूसरा गाल आगे कर दिया, थप्पड़ मारने लायक बचोगे नहीं, आया समझ में, क्या मतलब है उसका, बात समझ में आई, हाँ थप्पड़ मारने लायक नहीं बचोगे, हाथ उठेगा नहीं तुम्हारा, लकवा मार जाएगा बॉडी में, ये है सत्य की ताकत, अहिंसा की ताकत, क्योंकि वाणी में इतनी तीव्रता आ जाती है, मारो चलो दूसरी तरफ मारो तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, ये लोग मजाक उड़ाते समय क्या ऐसे तो तड़ातड़ थप्पड़ खाते जाओ, इसलिए क्या हम हमेशा गुस्सा मारेंगे कि तो तेरे को ठोक देगा ना गोली से, क्रांतिकारियों को जैसे ठोक देते थे, तो वही तो बात समझ में नहीं आई तुमको, क्रांतिकारी मतलब गर्म दिमाग, हमारे गुरु जी का एक कोटेशन है, दिमाग कैसा होना चाहिए ठंडा, रक्त कैसा होना चाहिए गरम, हृदय कैसा होना चाहिए नरम, यस ये थे गांधी, नरम दिल के गरम खून के ठंडे दिमाग, गांधी की परिभाषा देनी हो ये, दिमाग ठंडा रक्त गरम हृदय नरम, क्रांतिकारियों में क्या होता है, हृदय कठोर दिमाग गरम और रक्त ठंडा, शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं इनको, इनको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर, फोर्थ पेपर के लिए बहुत अच्छा कोटेशन है ये, फोर्थ पेपर है, एक अधिकारी को कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, जैसा उदार दिल का नरम दिल का, यानी कि एल्ट्रुइज्म होना चाहिए, परोपकार लोक कल्याण, लोक कल्याण की भावना उसके मन में होनी चाहिए, उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, हृदय नरम होना चाहिए, और दिमाग ठंडा यानी कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए,
शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। और ये अध्ययन से आता है, जब आप अध्ययन करते हो तो ये स्थिति आ जाती है। विवेकानंद इसी श्रेणी के व्यक्ति थे, अंबेडकर इसी श्रेणी के व्यक्ति थे, ये सब संत थे, गांधी इसी श्रेणी के व्यक्ति थे, नेहरू इसी श्रेणी के थे, मोदी किस टाइप थे, समझ में आ गया ना। वो इस परिभाषा में फिट नहीं होते, दिल बिल्कुल भी उदार नहीं होता, दिल बहुत कठोर है, किसी को मरवा देने में डरते नहीं और शॉर्ट टेम्पर्ड है और रक्त तो ठंडा है ही। अब ये एक साथ नहीं हो सकता कि रक्त भी गर्म और दिमाग भी गर्म, ऐसा नहीं होगा। दिमाग गर्म होगा तो रक्त हमेशा ठंडा ही होगा, क्योंकि रक्त ठंडा है इसलिए दिमाग गर्म है, कर कुछ नहीं सकते। रक्त में अगर गर्मी होती तो कॉन्फिडेंट रहता है, तो जो असली राजपूत है वो हर जगह राजपूत राजपूत नहीं लिखता रहता है, और जो वाकई में जिसमें दम है और खून में बहुत दम है और जो एक बार ठोकेगा तो गर्दन तोड़ देगा, इस टाइप का अगर उसकी बॉडी में एनर्जी है तो बहुत खून रहता है, उसको दया आती रहती है हमेशा, अरे मर जाएगा यार मैं कभी मारूंगा तो, तू जा ना, उसने गाली भी निकाले छोड़ ना जा, तो मैं कुछ करूंगा फिर मर जाएगा, काम ही खत्म, तेरे बच्चे भूखे मरेंगे, ये वो, उसको हमेशा दया आती रहती है। तो जो असली में दमदार आदमी होता है उसके मन में इतनी दया होती है, बहुत दया होती है उसकी, और उसको गुस्सा भी नहीं आता। आप उसको गुस्सा दिलाते हो उसको गुस्सा आता ही नहीं, लेकिन जिसको कुछ नहीं करना आता, ताकत नहीं है, कमजोर है अंदर से, वो यूं ही कूदता रहता है ऐसे, मैं यूं कर दूंगा फोड़ दूंगा, मेरा एक हाथ चलेगा फलाना हो जाएगा, और शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, वो कायर टाइप रहता है, दिल का साफ नहीं होता, वो धोखा भी दे सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, वो हिंसा भी कर सकता है, नाथुराम गोडसे का वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोग बेकार होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते, जोश वाले नहीं होते। तो फिर क्रांतिकारियों को तो हम गाली दे रहे हैं, नहीं, क्रांतिकारी अपनी जगह, वो एक उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे थे। इसे स्वतंत्र संघर्ष के क्रांतिकारियों के लिए आपको थोड़ा सा देशभक्ति लेके आनी पड़ेगी, उनके मन में देशभक्ति की भावना थी और देश पे न्योछावर होने की भावना थी, मातृभूमि के लिए न्योछावर की होने की भावना। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपने फिल्में देखी होगी कई बार कि कोई छोटा बच्चा भी है उसकी बहन को छेड़ रहे हैं तो उसको बहुत गुस्सा आने लगता है, जबकि वो ताकतवर नहीं है और वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब किसी उद्देश्य के लिए व्यक्ति कोई क्रिया की प्रतिक्रिया देता है तब ये फॉर्मूला नहीं लगता, ध्यान रखो, क्योंकि वो उद्देश्य की पूर्ति है, उसके लिए उद्देश्य बड़ा है, मातृभूमि का उद्देश्य है, किसी की रक्षा करना उद्देश्य, मानवता की रक्षा, और यूं कहें कि महिलाओं की इज्जत की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि ऐसे समय में बहुत सारे लोगों को पता है कि हम मर जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे, लेकिन वो उनको आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं कह सकते, नहीं तो फिर राष्ट्रभक्ति की भावना कौन रखेगा, मातृभूमि के प्रति भावना कौन रखेगा, माँ बहनों की रक्षा करने की बात कौन सोचेगा, तो उनको आप शॉर्ट टेम्पर्ड कह करके उनका अपमान करेंगे, तो उनको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं कह सकते, उसमें ये कहेंगे कि ये भावना प्रधान है और अपने जो सीमित संसाधन है उसी से सेवा करना चाहते हैं, उनके पास जो भी संसाधन है, क्योंकि शरीर है, एक युवा शरीर है, उसी को दे सकते हैं मातृभूमि को, तो कोई चढ़ा देते, वो अर्पण करना चाहे, वो अर्पण करने की भावना, ये हम जो बात कर रहे हैं ये दूसरे दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, आम जिंदगी में एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें वहां पे बात कर रहे हैं, या नाथुराम गोडसे जैसे हत्यारे के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों बलिदानियों के लिए ये लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे कि वो शॉर्ट टेम्पर थे, सिर फिरे थे और वो चल पड़े, उनमें अकल नहीं थी, ये लैंग्वेज तो फिर उनका अपमान हो जाएगा। तो स्वतंत्रता संघर्ष के समय में आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, चयनात्मक लेखन, वैसे चयनात्मक होना चाहिए आपको, ध्यान रखिए, तो सिलेक्टिव अगर आपका राइटिंग नहीं है तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। तो मेरे दृष्टिकोण से आप स्वतंत्रता संघर्ष समझ रहे हो, भारत का आधुनिक भारत का इतिहास समझने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट में नहीं है इस टाइप के कोई भी लेक्चर, ध्यान रखिए।
मिलेंगे नहीं, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। बाकी आप लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे, अगर आजाद हिंद फौज पे देखोगे या गांधी पे देखो तो एक जैसे होंगे, किताबी लेक्चर है सारे, किताबों के ऊपर है और वही पढ़ के सब सुना रहे हैं। 50 लेक्चर मिल जाएंगे आपको एक ही टॉपिक पे, पर उन्होंने एक ही चीज पढ़ के सुनाई है, सेम चीज सभी ने, ओरिजिनल थॉट्स नहीं। हमारी चीज ये जो सुन रहे हो आप, ऐसी कॉपी आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, इसकी कॉपी नहीं मिलेगी, ये ओरिजिनल है, ये हमारे अध्ययन का नतीजा है और वो अनुभव सामने आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कुछ तो। आज मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है मॉडर्न हिस्ट्री में, अगली बार भी थोड़ी चीजें और करेंगे हम लोग, लेकिन उनके फ्लेवर दूसरे होंगे थोड़ा। ठीक है, उसका मामला कुछ अलग होगा। तो चलो, आपसे आज विदा लेते हैं, कल बात करेंगे, कल नहीं मंडे को करेंगे। होमवर्क क्या रहेगा आपका, होमवर्क लिख लो। इस बार का होमवर्क गांधी रहेगा, गांधी जी के आंदोलन। पहले दिया गांधी का होमवर्क? हाँ, अच्छा, आंदोलन पढ़ने के लिए दिया है। तो फिर अगर गांधी हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर उधर संवैधानिक विकास हो गया, फिर ये हो गया, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरा घटनाक्रम है। तो लिखो फिर कुछ प्रश्न लिखो, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग। ১৯৩৭ के चुनाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन, गांधी का हरिजन आंदोलन, हरिजन आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक, राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका, रोल ऑफ इंडिया इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, रोल ऑफ इंडिया इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भाषा की समस्या, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट या लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, इशू, लैंग्वेज इशू, जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्राएं,
इश्यूज भी देखना है, इंटरप्रिटेशन भी देखना है इसके ऊपर, ठीक है? कौन कौन से कैसे कैसे क्या क्या था। आजाद हिंद फौज मुकदमा, INA ट्रायल के नाम से जाना जाता है, इस बार पूछा था ना। नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह, रोल ऑफ FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का रोल इन फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता में FDR का रोल। चर्चिल का चरित्र चित्रण, विंस्टन चर्चिल किस प्रकार का आदमी था, उसका स्वभाव, उसकी आदतें, उसका ज्ञान और भारत पर विचार, पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ोगे तो फिर गांधी समझ में आएगा, कोई वादा खिलाफी, गांधी का गुस्सा। हाँ ठीक है, भारत और गांधी पर विचार, गांधी पे क्या विचार रखते थे भारत का। गांधी जी का सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जाना, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कैसे गए, कैसे आए, पूरी यात्रा, कहाँ कहाँ होके आए, किन किन से मिलके आए, जाने का उद्देश्य, उनका जाना ही अपने आप में एक मूवमेंट होता था, किसी जगह पे जाना, फिर जैसे मोदी का होता है ना, किसी भी जगह जाते हैं तो उसके पीछे एक चुनाव होता है, एम होता है, जहाँ चुनाव होता है वहीं जाते हैं, केदारनाथ यहाँ भगवान के वहां पे भी तभी जाते हैं, चुनाव से रिलेशन है उसका सीधा, भगवान के दर्शन भी चुनाव से परे नहीं है उनके, किससे मिल रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, ध्यान भी लगाया था उन्होंने तो चुनाव के लिए, उनको मालूम है कि ऐसे चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया तो उस दिन किसी मंदिर में चले जाते हैं जिस दिन वोटिंग हो रही होती, और वहां पूजा आरती करते हैं, इधर 11 बजे के आसपास करते हैं, सुबह 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक ध्यान, घंटों आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या नमन वंदन करते हैं, इधर वोटिंग चलती रहती है, तो चुनाव प्रचार ही हिंदुत्व। मतलब गांधी इनमें से, नेहरू इसमें, मोदी में से अगर चुनाव निकाल लोगे तो जीरो हो जाए मोदी माइनस इलेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है, पूरे ही चुनाव है अपना, फुल पैकेज है चुनाव, इलेक्शन के लिए जीते हैं, इलेक्शन के लिए मरते हैं, तो पूरी तरह से इलेक्शन है पूरी जिंदगी, प्योर राजनेता, प्योर शुद्ध राजनेता, उसमें मनुष्य भी नहीं है कोई ना कोई दूसरा नागरिक है, ना इंडियन है उनमें, उनमें कभी इंडियन नहीं मिलेगा, उनमें मनुष्य नहीं मिलेगा, ह्यूमन नहीं मिलेगा, यहां तक कि पुरुष और स्त्री जैसा भी कुछ नहीं मिलेगा, विवाह उनने किया और नहीं भी किया, फैमिली वाली फीलिंग भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं है उनमें, परिवार का सदस्य भी नहीं है, मेंबर ऑफ फैमिली जो होता है वैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्योर पॉलिटिशियन, प्योर एकदम प्योर पॉलिटिशियन होता है ना, जिसका उद्देश्य होता है इलेक्शन और उसको जीतना, तो रात दिन उनका एक एक कतरा इलेक्शन जीतने के बारे में सोचता है, ठीक है, इसे कोई कहते हैं प्योर पॉलिटिशियन। अब ऐसा पॉलिटिशियन होना तो हर किसी के बस की बात नहीं, ये बाकी सारे काम उनको फिनेंस की भी चिंता नहीं, वो सब काम हमेशा देखते हैं, चुनाव का चंदा कहाँ से आएगा इस बारे में बात नहीं करते, चंदे के बारे में बात नहीं करते, रात दिन उनका सोच यही रहता है कि मतदाता मुझे वोट कैसे डालेंगे,
बीजेपी को वोट कैसे डाल, प्रधानमंत्री तक नहीं है उनके अंदर, प्रधानमंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री की पोस्ट भी नहीं घुस पाई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है वो, प्योर राजनेता। राजनेता का काम होता है इलेक्शन जीतना, तो वो अपने धर्म का बखूबी पालन कर रहे हैं, यही उनका धर्म है। अगर कोई कहे कि मैं शुद्ध रूप से राजनेता हूं, उसके बाद उसका धर्म क्या होगा, चुनाव जीतना, तो वो अपने धर्म पे कायम है, कोई दिक्कत नहीं। वो जिस चीज, वो कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, वो यही तो बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं। अपनी माँ तक को वो उसमें यूज करते हैं एक तरह से वोट लेने, जो अपने माँ पूरी 100 साल की माँ को वोट देने में यूज कर ले, उससे ज्यादा खतरनाक आदमी, इससे ज्यादा मतलब वो क्या कैश नहीं करते। अगर उनके बच्चे होते तो वो भी निपट जाते, वो भी उनका भी इलेक्शन कर डालते हो, अरे नहीं है तो ठीक ही है, ठीक है ना। जैसे गांधी जी आंदोलन में झोंकते थे, अपनी पत्नी को भी जेल भेजना चाहते थे, वो थे पक्के सत्याग्रही उनके अंदर, जैसे ये पॉलिटिशियन है वैसे वो पक्के सत्याग्रही। पत्नी को भी जेल, पत्नी को उकसा रहे थे कि देखो तुम अपनी मेरी बीवी नहीं हो, मेरी रखेल हो। बोले क्यों, दक्षिण अफ्रीका में बोलते हो? बोले आज से तुम मेरी रखेल हो, मेरी बीवी नहीं हो। बोले कैसे? बोले अंग्रेज कहते हैं। बोले ऐसे कैसे कहते हैं? बोले उन्होंने अपनी शादी रद्द कर दी क्योंकि वो ईसाई पद्धति से नहीं हुई। मतलब क्या, मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए, मतलब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं? बोला अंग्रेज तो ऐसा ही कहता है, तुम पत्नी नहीं, तो मतलब अब क्या करना होगा? बोले आपको सत्याग्रह करना होगा। तो इसके लिए भी सत्याग्रह करना पड़ा। हाँ, अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो मतलब तुम चाहते हो मैं जेल जाऊं? बोले तो नहीं, तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पत्नी कैसे रहो? ऐसे करके वो जेल से उठे। बोले तुम्हारा ड्यूटी बनती है, तुम यहाँ जितने भारतीय हैं उन सब महिलाओं को तैयार करो कि हम सबको जेल चलना चाहिए ताकि अंग्रेज ये कानून रद्द करे। तो फिर रद्द करवाया, उनकी पत्नी जेल गई, उन्होंने रद्द करवाया। आया समझ? बच्चों को जेल, सब बोले तुम कैसे पिता हो, सब अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हो, जेल भेजना चाहते। तो उनके बच्चे ही नाराज थे, पर कुछ बच्चे तो उत्साह से, वो जेल में थे, पिताजी बोले बापू मैं भी आ गया। बोले अच्छा किया बेटा, ऐसा बाप था। मैं तो जेल में इंतजार ही कर रहा था कि तू नहीं आया। अच्छा उसको क्यों नहीं लाया छोटे को? बोले वो स्कूल गया। बोले ना लाया क्यों? उसको भी बोलना था कि यहाँ आ जाए। ऐसे बापू थे। मोदी जी का बिल्कुल उल्टा है, चुनाव जीतने बच्चा होता तो वो भी चुनाव प्रचार कर रहा होता, नहीं तो बोलते कि नाला है कैसे, उसके कमल का फूल बांध देते ऊपर बच्चे पे। तो भारत भारत है ही, यहाँ आदमी कोई भी काम करता है तो दिल से करता है, ठीक है। चलिए ये करो भैया, अच्छा होमवर्क हो गया आपके पास, ठीक, चलो।